चलिए गाइस, वी आर स्टार्टिंग अपना लास्ट लेक्चर जो था हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था. वी ऑल हैड स्टार्टेड अ थियरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय विल्सन एंड फोर्ड. तो उसी थियरी को आज कंप्लीट कर लेते हैं. और यहाँ पे अगर नया वाला अपना जो पार्ट आया दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल पार्ट दैट वी हैव टू बी डूइंग. ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं. सुनो, मैं एक छोटा सा मैं रिकैप कर रहा हूँ और वट एवर वी ऑल हैव डन माइट बी मेरे को 2 या 3 मिनट जाएगा एंड देन इन दैट केस विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस. ए का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स टू बी परचेज्ड इन 1 ईयर. क्यू अपना पूरा का पूरा जो चैप्टर है क्यू के ऊपर ही है. नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड एट 1 टाइम. उसके बाद सीपीयू परचेज कॉस्ट पर यूनिट. पूरे साल का परचेज कॉस्ट टोटल परचेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू ए इंटू सीपीयू. उसके बाद सी ए ऑर्डरिंग कॉस्ट. उसके बाद टी सी ए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर 1 ईयर. वो कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम दैट विल बी ए बाई क्यू इंटू सी ए ओवर हियर. अगर आपको ये वाला कॉस्ट कम करने का है तो क्यू का वैल्यू शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. उसके बाद आई दैट इज इंटरेस्ट रेट. ओके, सी आई दैट्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. इन आर लैंग्वेज दैट्स इंटरेस्ट कॉस्ट. ओके, सी आई का आज और कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह भी आएगा बट अभी के लिए योर सी आई इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट. अगर कभी वो चीज नहीं दिया हुआ इट इज सी पी यू इंटू आई. नाउ ऑब्वियसली वी विल वॉन्ट टी सी आई. टी सी आई, सी आई का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक यूनिट अपने पास रखूँ इन स्टॉक फॉर 1 एंटायर ईयर तो मेरा खर्चा सी आई का हो जाएगा. पूरे साल का खर्चा विल डिपेंड अपॉन कि पूरे साल के ना आपके पास कितना स्टॉक है. सो देयरफॉर आई वॉन्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल पर एनम इंटू सी आई. ठीक है, लेकिन स्टॉक इज अ चेंजिंग फिगर. तो स्टॉक के बदले में यहां पर क्या आ जाएगा? एवरेज स्टॉक. और एवरेज स्टॉक हम लोगों ने डिराइव किया था क्यू बाई टू. ये वाला चीज डिराइव कैसे किया था? हम लोग क्यू यूनिट्स ऑर्डर करते हैं. क्यू यूनिट्स ऑर्डर करते हैं कंजम्पशन वी अज्यूम दैट इट इज इवन. तो क्यू से स्टार्ट किया. एवरीबडी म्यूट प्लीज. नाउ क्यू से स्टार्ट किया. ओके, कंजम्पशन करते रहे. एक दिन स्टॉक जीरो हो गया. जब ही स्टॉक जीरो हो गया फिर से ऑर्डर किया, फिर से क्यू यूनिट्स आए. ऐसा चलता रहा चलता रहा चलता रहा. ठीक है, नाउ तो हर साइकिल का एवरेज स्टॉक क्यू बाई टू हो जाएगा. तो पूरे साल के अंदर भी जो एवरेज स्टॉक है क्यू बाई टू ही हो जाएगा. भाई ये भी तेरा एक कॉस्ट है. अगर इस कॉस्ट को कम करने का है तो क्यू का वैल्यू शुड बी एज लो एज पॉसिबल. योर टी सी ए एंड टी सी आई आर कॉन्फ्लिक्टिंग कॉस्ट. दोनों को मिनिमाइज नहीं कर सकते. अगर आपको टी सी ए को कम करने का है क्यू का वैल्यू शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. अगर आपको टी सी आई को कम करने का है तो क्यू का वैल्यू शुड बी एज लो एज पॉसिबल. करें तो क्या करें? तो फॉरगेट इट, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं. टी सी ए प्लस टी सी आई, वो वाला क्वांटिटी जिधर टी सबसे कम होगा उस क्वांटिटी को हम लोग बोल देते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. कई लोग उसको इन अ लूज वे ऑप्टिमल क्वांटिटी टू बी ऑर्डर भी बोल देते हैं. ठीक है, आपको वो बोलने का है वो बोल देना. ठीक है, तो उसका हम लोगों ने ग्राफ भी बनाया था. ओके, अपना जो ग्राफ था वो कुछ ऐसे चला था. ठीक है, दिस इज अ ग्राफ जहां पे टी इधर प्लॉट होता है, क्वांटिटी इधर प्लॉट होता है, और जहां पर भी टी सबसे कम होगा उस क्वांटिटी को हम लोग ईओ क्यू बोल देंगे. ठीक, और सिर्फ इसी पॉइंट पर तुम्हारा दो कॉस्ट बिल्कुल सेम हो जाता है. कौन सा दो कॉस्ट? टी सी ए और टी सी आई. यही वाला चीज यूज करके हम लोगों ने ईओ क्यू का फॉर्मूला भी निकाला था. तो ईओ क्यू विल बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2ACA अपॉन सी आई. ठीक है, ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला था ऑफ ईओ क्यू. ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड, टी का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है. तो यूनिवर्सल मतलब ये कभी भी अप्लाई हो सकता है, किधर भी अप्लाई हो सकता है. ए बाई क्यू इंटू सी ए प्लस क्यू बाई टू इंटू सी आई, इट इज नथिंग बट द सम ऑफ टी सी एंड टी सी आई. लेकिन इस फॉर्मूला को हम लोगों ने तब सिंप्लीफाई किया था अगर कंपनी ईओ क्यू क्वांटिटी ही ऑर्डर करता है. अगर क्वांटिटी ईओ क्यू ही हो तो टी का फॉर्मूला अल्टीमेटली विल बिकम दिस. ओके, हम लोगों ने ये वाला शुरू वाला पार्ट किया था, पूरा का पूरा जो थियोरेटिकल पार्ट किया था. ठीक है, एक बार ये वाला पार्ट अपना हो गया था. ठीक है, फिर उसके बाद देन वी ऑल स्टार्टेड अवे विद द नेक्स्ट थिंग. एंड व्हाट वाज दिस नेक्स्ट थिंग? दिस नेक्स्ट थिंग वाज इन दिस पर्टिकुलर केस की
ध्यान से सुनना मेरी बात, दिस वॉज कि अगर सपोज सप्लायर अपने को डिस्काउंट नहीं देता, देन आर एम इज ऑलवेज टू बी मिनिमाइजिंग टी, और टी किधर मिनिमाइज हो जाता है, ईओक्यू पे. वी ऑलवेज से दैट ईओक्यू इज अ बेस्ट क्वांटिटी. लेकिन अगर कोई सप्लायर अपने को डिस्काउंट देगा ना, तो फिर मेरे को वो वाला डिस्काउंट भी कंसिडर करना पड़ेगा. तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल ट्राई टू बी फाइंडिंग आउट, जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, टी इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट. जिधर भी परचेज कॉस्ट सबसे सॉरी जिधर भी टी इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट सबसे कम होगा, दैट ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन. हम लोगों ने पिछले लेक्चर के ना ऐसा एक क्वेश्चन भी किया था, जहां पे सप्लायर आया बोलता है कि मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा अगर आप इतना क्वांटिटी खरीदोगे, तो यू हैव टू बी डिसाइडिंग एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें, बस दैट्स इट. ओके, ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए फाइंड आउट टी इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट. जिधर भी वो ऑप्शन सबसे कम होगा, दैट ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन. ठीक है, आज अपने को ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल ट्राई टू टॉक ऑफ द अदर थिंग्स. ठीक है, हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. आई थिंक व्हाट वर्क फॉर मी वाज द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस वे बिफोर माय एग्जाम्स, एंड दैट हेल्प्ड मी टू रिवाइज टॉपिक्स अ लॉट मोर टाइम्स देन आई यूजुअली स्टूडेंट. सो थैंक्स अ लॉट अनुज सर फॉर द कंसाइज मटेरियल्स एंड द वंडरफुल टीचिंग्स. थैंक यू. तो लेट्स स्टार्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. पढ़िए जरा प्लीज. जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ अ स्पेशल प्रोडक्ट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू फॉर वन ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, द कॉम्पोनेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज. परचेज प्राइस पर कॉम्पोनेंट 200, कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर दैट्स 100. चलो ठीक है, एक मिनट, सिंबल्स लिखें, दैट बी स्लाइटली बेटर. सब लोग मेरे को जरा बोलो, परचेज प्राइस पर कॉम्पोनेंट 200 रुपया, ये 200 रुपया बेटा क्या हो जाएगा? सीपीयू. चलो ठीक है, कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर 100, ये क्या हो जाएगा? सीए हो जाएगा. चलो ठीक है, अभी आगे मेरे को बोलने देना, सुनो. एन्यूअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग वन यूनिट इन इन्वेंट्री 10% ऑफ परचेज प्राइस. एन्यूअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग वन यूनिट इन इन्वेंट्री मतलब सीआई. यार तो सीआई वैसे भी पर यूनिट पर एनम ही होता है, यहां पे भी तो वही लिखा है. इट इज एन्यूअल बोले तो पर एनम, वन यूनिट बोले तो एक यूनिट का कॉस्ट. 10% ऑफ परचेज प्राइस, शायद ये तो ये जो 10% है ना ये आई होगा. वैसे भी आप लोग सीआई कैसे कंप्यूट करते हो? सीपीयू इंटू आई, तो यहां पर भी तो वही लिखा हुआ है. तो एक सेकेंड, 10% ऑफ परचेज प्राइस बोले तो 10% ऑफ 200, तो तुम्हारा सी आई कितने रुपीज का वो हो जाएगा? 20 रुपीज का. ठीक है, 10% ऑफ परचेज प्राइस मतलब 10% ऑफ सीपीयू. ठीक है, आगे द कंपनी, देखो अभी ये ऑफर स्टार्ट हो रहा है, बराबर से पढ़ना. एक मिनट, एक लाइन में भूल गया इधर. टोटल कॉस्ट ऑफ, ये आपको मेरे को बताना है, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैरिंग एंड ऑर्डरिंग पर एनम. मेरे को बोलो ये 4000 रुपया कौन सा कॉस्ट है, इसका सिंबल क्या है? बोलो बोलो, मैसेज करो मैसेज करो. हाँ, ये टी है ऑब्वियसली, इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज टी. एक मिनट, टी का मतलब टीसीए प्लस टीसीआई, तो देखो वही तो लिखा हुआ है. टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैरिंग, इन्वेंट्री कैरिंग बोले तो टीसीआई, एंड ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग बोले तो टीसीए. तो दिस इज नथिंग बट टी ओनली नो फॉर यू. ठीक है,
अच्छा, और एक और चीज, दिस मस्ट बी टी एट ईओक्यू, क्योंकि सम के फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है कंपनी फॉलोज ईओक्यू, ठीक है। आगे अभी ये ऑफर स्टार्ट हो रहा है, द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन द प्राइस ऑफ द कॉम्पोनेंट, प्रोवाइडेड अ लॉट साइज ऑफ 2000 कॉम्पोनेंट्स। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन द प्राइस ऑफ द कॉम्पोनेंट प्रोवाइडेड अ लॉट साइज ऑफ 2000 कॉम्पोनेंट्स इज ऑर्डर्ड एट अ टाइम। सब लोग मेरे को बोलना तुमको ऑफर समझा, जो ऑफर है वो क्या है। इन दिस केस सप्लायर ने अपने को क्या बोला है कि अगर आप एक बारी में कंटिन्यू 2000 यूनिट खरीदते हो तो फिर हम आपको यहां पे 2% का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। अभी आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ईओक्यू। बोलते सर ईओक्यू तो मेरे को फॉर्मूला फटक से मालूम है सर, मैं तो यूज करके आंसर बता देगा। मेरे को बोलो ईओक्यू फटाक से कंप्यूट करने के अंदर दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन के ना क्या नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं है। मेरे ख्याल से यहां पे तो ए का वैल्यू ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको ए के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। आगे, एडवाइस वेदर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। चलो ठीक है, मैं ये क्वेश्चन ना इस ब्रैकेट की वजह से कर रहा हूं, अज्यूम दैट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, बोले तो सी आई, डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी। सुनो, अभी उस दिन के अंदर जरा याद होएगा, जो इसे पिछला वाला क्वेश्चन था शायद नंबर्स भी याद होंगे, ओरिजिनली सी आई 15 था लेकिन उसने अपने को 10% का डिस्काउंट दिया था तो इट हैड बिकम 13.5, यू ऑल रिमेंबर दैट। अभी उन लोगों ने क्या बोला कि वो वाला काम मत करना, उन लोगों ने ऐसा बोला है, अज्यूम दैट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी। उन लोगों ने अभी बोल दिया कि ना अज्यूम करना कि सी आई चेंज नहीं होता, सम की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं, सम ने बोल दिया सी आई चेंज नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अभी उसके बाद लास्ट पार्ट, वुड योर एडवाइस डिफर इफ कंपनी इज ऑफर्ड 5% डिस्काउंट ऑन अ के बाद वर्ड बोलो क्या लिखा हुआ है, ऑन अ सिंगल ऑर्डर, ओके। अच्छा एक सेकेंड, तुम्हारे पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर दो फर्क है, एक फर्क नहीं है बेटा, सिर्फ डिस्काउंट का फर्क नहीं है। आई नो पार्ट बी के ना 2% का डिस्काउंट था, आई नो पार्ट सी के ना 5% का डिस्काउंट है, लेकिन एक और फर्क भी है। पार्ट बी के अंदर एक बारी में अपने वो कितना क्वांटिटी ऑर्डर करने का था, 2000, लेकिन आपको पार्ट सी के अंदर सारा का सारा क्वांटिटी, आगे बोलो, एक साथ ही ऑर्डर करने का है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा है, सपोज अगर ए 10,000 होता, ओके, और 10,000 तुम्हारा वो नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर तुम्हारा ए 10,000 होता तो पार्ट बी के अंदर एक बारी में 2000 ऑर्डर करेगा तो 2% का डिस्काउंट, लेकिन पार्ट सी के अंदर, आगे बोलो, 10,000 ऑर्डर करेगा तो ही तेरे को यहां पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सुन, तुम लोग क्या करो, अपने नोटबुक्स में आओ एक बार, थोड़ा सा चीज है मेरे साथ लिखो, फिर तुम लोग ट्राई मारना। मैं वो बोलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। चलिए, तो आई एम राइटिंग जो सम के अंदर है, आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज लिखिए, सीपीयू इज इक्वल टू ₹200, फिर उसके बाद सी ए ₹100, सी आई 10% ऑफ परचेज प्राइस, दैट इज 10% ऑफ 200, तो ₹20 पर यूनिट पर एनम, उसके बाद टी एट ईओक्यू इज ₹4,000। सुनो, अब तुम लोग ना कुछ भी फेयर के अंदर नहीं करना, सब कुछ रफ के अंदर करो। सुनो, सबसे पहले पार्ट ए भी स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ सोचना, सर पहले ए निकालना पड़ेगा, तुम लोग निकालो, मेरे को मत बताना कि कितना आया, ठीक है।
तुम लोग सबसे पहले ए निकालना, ठीक है? जब ए तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा ईओक्यू वाला काम खत्म हो जाएगा, ठीक? उसके बाद जब पार्ट बी करोगे तो तुमको क्वेश्चन दो बार सॉल्व करने का है। दो बार कैसे? वो एक ऑफर वाला बात है ना, तो जैसे उस दिन क्या था, ट्राई टू फाइंड आउट टी इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट वंस अंडर द ऑफर एंड वंस अंडर ईओक्यू। तुम लोग मेरे को दोनों कॉस्ट बता देना, मेरे को पता चल जाएगा एक्सेप्ट करने का है कि रिजेक्ट करने का है, ठीक है? फिर उसके बाद जब आप पार्ट सी पर आओगे तो एक बार फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना, टी इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट निकालना अंडर ईओक्यू। तो ऑनेस्टली ये वाला चीज तो वही रहेगा जो पार्ट बी के अंदर भी था, बट टी इंक्लूडिंग ईओक्यू अंडर द ऑफर आपको फिर से रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, पार्ट सी के अंदर ना ये वाला लाइन नहीं दिया हुआ, लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसा बोलता है कि एक बार अगर बोल दिया ना किधर भी पूरे क्वेश्चन के अंदर कि सीआई विल नॉट चेंज, तो सीआई विल नॉट चेंज। तो जब आप पार्ट सी भी कर रहे हो ना, सीआई विल नॉट बी चेंजिंग एट ऑल, ठीक है? तो एक मिनट, बाय डिफॉल्ट सीआई विल चेंज इफ सीपीयू चेंजेस, ये इफ होना चाहिए, इफ सीपीयू चेंजेस दैट इज व्हेन डिस्काउंट इज गिवन। एक मिनट, मेरे को बोलो पिछले क्वेश्चन के अंदर सीआई चेंज किया था, यस के नो? यस। इस क्वेश्चन के अंदर बोल दिया नहीं चेंज करो तो नहीं चेंज करेंगे, ठीक है? इफ प्रॉब्लम से सीआई विल नॉट चेंज देन इट विल नॉट चेंज, लाइक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वंस इट इज मेंशनड इन पार्ट बी दैट सीआई विल नॉट चेंज देन सीआई विल नॉट चेंज फॉर द एंटायर क्वेश्चन, ठीक है? अभी तुम्हारे पास इन ऑल ना, मेरे को सारे के सारे पार्ट्स का इकट्ठा आंसर ही देना, मेरे को एक एक करके तोड़ तोड़ के आंसर वो मत देना। मैं तुम लोग को 6 मिनट्स दे रहा हूं, मेरे को पार्ट ए का आंसर चाहिए, पार्ट बी के अंदर मेरे को दो कॉस्ट चाहिए, आई वॉन्ट टी इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट अंडर द ईओक्यू एंड अंडर द ऑफर, और यहां पे भी आई वॉन्ट टी इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट, वो तो वही रहेगा अंडर द ईओक्यू वाला ऑप्शन एंड द न्यू वन दैट इज अंडर द न्यू ऑफर, ठीक है? योर 6 मिनट्स विल स्टार्ट राइट नाउ, स्टार्ट करो। एक सेकेंड स्टार्ट। मेरे को सारे आंसर्स इकट्ठा देना, तोड़ तोड़ के मत दो प्लीज। पूरा क्वेश्चन करेक्ट है देन वी सही और आंसर इज करेक्ट। साक्षी, आपने ईओक्यू के बदले में टी का फॉर्मूला यूज कर लिया, बराबर से देखो। मेरे को सारे आंसर्स इकट्ठा देना। चलो ठीक है, अभी तक तुम्हारा ईओक्यू 200 तो आ जाना चाहिए था, उसके बाद वाले आंसर्स बोल देना। मानसी करेक्ट है, वो सब कुछ करेक्ट है जो भी आपने लिखा है। विदुषी करेक्ट है, थर्ड वाले का भी आंसर साथ में लिख के भेजो बेटा। करेक्ट है, उज्ज्वल गलत है। महक करेक्ट है, महक गलत है, सॉरी। सेकेंड आपने जो लास्ट आंसर लिखा है गलत है। साक्षी करेक्ट है,
प्रथम करेक्ट है, सिमरन गलत है बेटा, सिमरन ए इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ए इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, झील करेक्ट है, ध्रुव कुछ गलत है बेटा, ध्रुव परचेज कॉस्ट इज ए इंटू सीपीयू नॉट क्यू इंटू सीपीयू बॉस, महेश करेक्ट है, कुणाल लास्ट आंसर गलत है, आर्यन जो लिखा हुआ है वो ठीक है। चलो चलो सुनो, सबसे पहले ए निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है? तो लिखेंगे जरा प्लीज। देखो एक रेगुलर क्वेश्चन के अंदर आप लोग के पास मेरे ख्याल से डेटा होता है, आप लोग आगे ए वगैरह मेरे ख्याल से तो दिया ही होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा डेटा अपने को ये वाला दिया एंड ऑब्वियसली अपने से ए फिर छुपा लिया है, ठीक है? तो फिर अपने को यहां पर सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा, लेकिन ए निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डेटा चाहिए, तो ये वाला एक्स्ट्रा डेटा तो है ना यार, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा एक सेकेंड, जस्ट लाइक दैट, मस्ती करने के लिए मेरे को जरा बोलो तुम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लिखा, सेकेंड वाला थर्ड फॉर्मूला के सर कुछ भी लिख दो सर, बोलो थर्ड वाला, मेरे को जरा बोलो तुम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकते थे क्या, मेरे को बोलो लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, लिख सकते हैं ना, चलो ठीक है, जिन लोगों ने बोला है लिख सकते हैं तो उनके लिए एक क्वेश्चन। देखो तुम्हारे पास टी एट ईओ क्यू तो है, ठीक है, तुमको तो ए चाहिए ना, तो अगर कोई बोलता है सर कुछ भी लिख सकते थे, सर सेकेंड वाला फॉर्मूला भी तो लिख सकते थे, तो अगर कोई शाणा बोलता है कि सर सेकेंड फॉर्मूला भी तो लिख सकते थे, तो एक पंगा है बेटा, अगर आप ऐसा करोगे ना, टी है तेरे पास लेकिन राइट हैंड साइड पर कोई बोलेगा आगे की दिक्कत क्या है, सर ए भी नहीं है और क्यू भी नहीं है, तो आप कैसे लिखते, तुम्हारे हिसाब से नहीं लिख सकता, मेरे हिसाब से तो लिख ही सकता हूं मैं, तो कुछ भी करके आंसर वो ले आएगा, तो सर क्या करोगे, हाँ बराबर है। सुनो देखो दिक्कत क्या है कि यहां पे ना देर आर टू वेरिएबल्स दैट आर अननोन टू अस, यू कन्वर्ट टू इंटू वन, हाउ विल यू डू दैट, एट ईओक्यू टीसीए इज इक्वल टू आगे कुछ बोलो टीसीआई, तो अगर चाहते ये वाला चीज हम लोग वो करने नहीं वाले, ऐसी बस वो मस्ती के लिए आई एम ट्राइंग टू बी डूइंग, तो आंसर आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि वैसे भी आ जाता, तो एक और बार TCA निकाल के ना एक और बार TCI ही लिख देंगे, अगर ऐसा करोगे फिर तो सॉल्व हो ही जाएगा, Q by 2 into CI plus Q by 2 into CI will be nothing but QCI, और उसके बाद CI जो है वो कितना है 20, अगर ऐसे कर लोगे तो तुमको समझ में आएगा Q will be equal to 200 units, और ये Q कुछ और नहीं होगा EOQ ही होगा, because company follows EOQ, सबको समझा ये चीज, मैं ऐसे सॉल्व करवा सकता हूं लेकिन मैं ऐसे सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, नॉट फॉर एनी रीजन, जस्ट आप लोगों को जो पहले स्ट्राइक हुआ मैं वैसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? मेरे ख्याल से सभी लोगों ने थर्ड वाला फॉर्मूला यूज किया, तो मैं थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, अभी तुम लोग वो लिखना स्टार्ट करो राइट नाउ, टी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टू ए सी ए सी आई, तो ये 4000 है इज इक्वल टू टू इंटू 4000 इंटू सी ए दैट्स 100, एक मिनट, मैं क्या पागल हूं, ए के बदले में ए लिखो, वो तो मेरे को आंसर मालूम था, सुनो व्हाट वी विल डू, इस सारे का स्क्वेयर रूट, ठीक है? मेरे को सब लोग को ए 4000 तो मिला था ना, चलो ठीक है, नाउ यू स्क्वेयर बोथ द साइड्स, ठीक है, तो 4000 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 20 इंटू 2 4000, मैंने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट चला गया, एक 4000 कैंसिल,
तो ए इज इक्वल टू 4000 यूनिट्स। चलो अभी पार्ट ए कर लेते हैं। EOQ स्क्वेयर रूट ऑफ 2ACA डिवाइडेड बाय CI, अप्लाई करो आंसर 200 यूनिट्स आ जाएगा। चलो आगे सुनो, तुम्हारा ये वाला जो काम था ये हो गया, अभी वो ऑफर वाला पार्ट आ गया। तो यहां पर अभी ऐसे जरा लिखो टी इंक्लूडिंग परचेस कॉस्ट अंडर EOQ। तो सबसे पहले अपने को टी निकालना पड़ेगा। मेरे को बोलो टी के लिए सेकेंड फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला के कुछ भी नहीं बेटा। तो क्वेश्चन के अंदर 4000 तो दिया ही हुआ है ना यार, अभी थोड़ी कुछ फॉर्मूला यूज करेगा, वो यूज करके तो ए का आंसर निकाला था। एड परचेस कॉस्ट, परचेस कॉस्ट कैसे कंप्यूट होता है पूरे साल का, प्लीज इट इज नॉट क्यू इंटू CPU, इट इज ए इंटू CPU। पूरे साल का काम करने बेटा, 200 यूनिट खरीद के पूरे साल के अंदर, तो 4000 ही खरीदेगा ना यार, और हर यूनिट 200 के अंदर, तो ये आ जाएगा 8 लाख 4000। उसके बाद ऑफर, अच्छा सप्लायर ने मेरे को क्या ऑफर दिया था, सप्लायर कुछ ऐसे बोलता है आप एक बारी में 2000 यूनिट खरीद लो ठीक है तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, कितने परसेंट का, 2% का। तो लिखो डिस्काउंट 2%। तो टी, चलो अब बोलना, अभी उल्लू नहीं बना रहा हूं, मेरे को बोलो सेकंड फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला के कुछ भी, सेकंड, अभी थर्ड तो अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये EOQ नहीं है बेटा। तो दिस इज ए बाय क्यू इंटू CA प्लस क्यू बाय टू इंटू CI। चार हजार डिवाइडेड बाय ऑफर के अंदर एक बारी में 2000 खरीदना पड़ेगा प्लस 100 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2 इनटू CI बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट विल रिमेन 20 2200। एड परचेस कॉस्ट पर इज इक्वल टू ए इनटू CPU 4000 2% डिस्काउंट काट के 196 7,84,000 आता है 7,84,000 8,04,200। कंक्लूजन लिखिए, लिखो कंपनी इज एडवाइज्ड to reject the offer as T including purchase cost is higher as T including purchase cost is higher. चलिए अभी सुनो एक चीज, तो ऑनेस्टली नो व्हेन आई रेड दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ
मेरे को शायद एक चीज तो मालूम ही था कि पार्ट बी वाला ऑफर रिजेक्ट ही हो जाएगा। कोई मेरे को बोल सकता है कि मेरे को कैसे पता चल गया कि ये वाला ऑफर तो रिजेक्ट ही होएगा, पार्ट बी वाला, पार्ट बी वाला। वो तो बेटा फिर पार्ट सी के अंदर भी नहीं हो रहा चेंज। सोच के बोलो, सोच के बोलो, तो कॉमन सेंस, सोच के बोलो। ऑब्वियसली इन दिस केस अगर यही वाला चीज एक्सेप्ट हो जाता तो पार्ट सी वाला क्वेश्चन कभी आता ही नहीं ना। तुमको समझा जो मैंने बोला? तो ऑब्वियसली इन दिस केस बिकॉज पार्ट सी इज देयर, वी ऑल नो की पार्ट बी तो वैसे भी रिजेक्ट वो होने वाला था, वरना व्हाई द हेल सप्लायर विल गिव अ बेटर ऑफर। ठीक है, तो चलो अभी पार्ट सी स्टार्ट। तो अभी तक तो ईओक्यू इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो पार्ट सी के अंदर अभी यहां पर लिखिए टी इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट अंडर, मैं लिख देता हूं ऑल्दो उसका आंसर अपने पास है ही है, 8,04,000। ऑफर अभी बदल गया है, एक बारी में सारा का सारा क्वांटिटी खरीद लेना, सारा का सारा बोले तो 4,000 यूनिट, तो जो डिस्काउंट आता है ना 5% का आता है। अच्छा, तो यहां पे टी निकालना पड़ेगा। अभी मैं तुम लोग को ऑप्शन दे रहा हूं, आई नो बहुत लोग को आंसर वो आ गया, सो यू विल बी एबल टू। सेकेंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, कुछ भी के कुछ भी नहीं सर, अपने पास पहले भी तो आंसर वो पढ़ा ही हुआ है। सेकेंड आया, जो पहले वाला आंसर था बेटा वो तो इस ऑफर के अंदर था, अभी ऑफर बदला, सो दिस आंसर विल ऑल्सो बी चेंजिंग, नो देन। ठीक है, तो यहां पर आओ, सेकेंड वाला फॉर्मूला लिखो, ए बाई क्यू इंटू सी ए प्लस क्यू बाई टू इंटू सी आई इज इक्वल टू, फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 100 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20, ये कितना आ जाता है 40,100। प्लस परचेज कॉस्ट पर एनम, अच्छा परचेज कॉस्ट पर एनम विल बी ए बाई क्यू, सॉरी क्या कर रहा हूं, परचेज कॉस्ट विल बी ए इंटू सी पी यू, ए विल बी 4,000, सी पी यू 5% काट के 190 आ जाएगा, 7,60,000 टोटल 8,100। कंक्लूजन इधर लिखना, The company is advised. The company is advised to accept this offer as T including purchase cost, as T including purchase cost is lower under the offer. Sorry, as T, I'm repeating the last line bus, the company is advised to accept the offer as T including purchase cost is lower under the offer.
चलो सुनो मेरी बात, देखो तुम्हारे सिंपल क्वेश्चंस हो गए, अभी एक सॉलिड क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का शॉर्ट्स आई हैव रेड तो बिफोर ओनली, जस्ट बी केयरफुल कि जब आप पार्ट सी पर हो तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको सीआई चेंज नहीं करना है, दैट इज वन थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू ऑल। अभी ये वाला क्वेश्चन ना मेरे को काफी अच्छा लगता है फॉर सम रीजंस, स्पेशली पार्ट थर्ड, तो लेकिन पार्ट वन और पार्ट टू आपको करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, वट एवर आई विल बी सेइंग। मैं तीन चीजें ना, आई नो यू ऑल नो, लेकिन फिर से बोल रहा हूं, ए का फुल फॉर्म ध्यान से कान लगा के सुनो, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड इन वन ईयर, ठीक है। ए का मतलब याद रखना, सी ए इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट यूजुअली इंक्लूड्स ओनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैन इंक्लूड लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है। उसके अंदर वो सारी कॉस्ट भी आ सकती हैं, ओके। बेसिकली एनी कॉस्ट विच इज इनकर्ड वेन एवर यू प्लेस सम ऑर्डर, ओके, ऑल दोस पर्टिकुलर कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक। ये हो गया ए, ये हो गया सी ए, ठीक है। अभी सी आई के अंदर कुछ ना कुछ न्यू बोलूंगा। आज तक मैं तुम लोगों को सी आई के लिए क्या बोलता था, इट इज कैरिंग कॉस्ट, और मैं कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या बोलता था, इंटरेस्ट कॉस्ट बोलता था। अब जरा ऐसे सोचो, मेरे को एक यूनिट खरीद के स्टॉक के अंदर रखने का है, मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक जाएगा लोन लेगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देगा, वो जो इंटरेस्ट पार्ट है दैट इज नथिंग बट सी आई, बराबर है। सी आई इंटरेस्ट कॉस्ट ही होता है, लेकिन कुछ और भी जरा सोचो, कुछ और कॉस्ट भी तो आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसे जरा सोचो, मैंने गुड्स खरीद के लाया, मेरे स्टॉक के अंदर वो पड़े हुए हैं, ठीक है, स्टॉक के अंदर पड़े हुए हैं, मेरा जो रॉ मटेरियल है ना वो खराब हो जाएगा क्योंकि दैट इज ऑफ अ पेरिशेबल नेचर। सपोज हमारी जो कंपनी है अचार बनाती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विल बिकम आर रॉ मटेरियल्स। अभी मेरे को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बैंक जाएगा लोन लेगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा, तो कैरिंग कॉस्ट एक तो वो हो ही गया, लेकिन एक बार वो गोडाउन के अंदर रखा, अगर वैसे ही रखा तो खराब हो जाएगा। से दैट आई गॉट टू बी हैविंग से सम कोल्ड स्टोरेज का ट्रीटमेंट, इट कुड बी दैट, इट कुड बी इन दिस केस कि मेरे को कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह वो वाला काम तो वो करवाना पड़ेगा, इट कुड बी दैट। एक और अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज वो लोग क्या करवाते हैं, अपने ना रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। इंश्योरेंस मतलब अगर कभी वेयरहाउस के अंदर आग लग गई, कॉम्पनसेशन विल कम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। वो जो प्रीमियम होता है ना इस इंश्योरेंस का, ओके एक सेकेंड ना, सब लोग को तो प्रीमियम का मतलब मालूम है, ठीक है, तो वो जो प्रीमियम वो होता है ना, इट इज यूजुअली बेस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ स्टॉक दैट यू कैरी, ओके, सो अगेन दैट इज अ कैरिंग कॉस्ट। तो यूजुअली सीआई ओनली इंक्लूड्स इंटरेस्ट कॉस्ट, बट कैन इंक्लूड ऑल दीज पर्टिकुलर कॉस्ट विच आर पॉपुलरली कॉल्ड एज स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। बस ए का मतलब फिर से बोल रहा हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज इन वन ईयर, सी ए का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, can, sorry, should include the transportation cost, can include loading and unloading cost. Sometimes it can also include, say, inspection cost. Okay, suppose like, you know, जब भी एक order आता है, तुम लोग ना एक बाहर वाले बंदे को appoint करते हो, भाई ये check करना कि ये जो raw material आया है, इसका quality बराबर है कि नहीं, देखो हर order की inspection के ऊपर इतना पैसा देगा, तो then CA will include that also, okay? तो basically any cost that you incur whenever you place one order will be called as ordering cost. CI के अंदर एक चीज मैंने न्यू बोला, बाकी दोनों के अंदर तो honestly कुछ न्यू भी नहीं बोला। CI includes interest cost for sure, can include the storage cost like the refrigeration, pesticide treatment, फिर insurance premium, all those particular things, ठीक। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग next question, question number 10 पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। पार्ट वन के अंदर मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं, ठीक है, पार्ट वन के अंदर ईओक्यू पूछा है। ईओक्यू के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, ए, सी ए और सी आई। ये तीन चीजें बराबर से कर सको इसलिए मैंने सब कुछ फिर से एक्सप्लेन किया, तो ये तीनों चीजें निकालना,
ठीक है, एक और लास्ट हिंट मेरा देने का मन कर रहा है, सी आई इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है, बस बी केयरफुल, ये तीनों चीजें अगर बराबर निकालोगे फिर ईओक्यू निकालोगे तो वो करेक्ट आएगा, मेरे को सिर्फ ईओक्यू का आंसर ही बताना। एक बार तुम्हारा ये वाला काम हो जाए, पार्ट बी, एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट शुड बी प्लेस, ये हम लोगों ने उस दिन सेकेंड क्वेश्चन जो किया था ना, ये उसके अंदर भी आया था। इस चीज को हम लोग एक नाम भी देता है, इस चीज को हम लोग एक नाम क्या देता है, देखो देखो मैं तुमको बता भी देता हूं, तुम लोग को भूल जाता है, ओके। इस चीज को यहां पर पार्ट नंबर 4 था, इन्वेंट्री साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, तो उस दिन का क्वेश्चन देख लेना और मेरे को पार्ट 2 का भी आंसर देना, ये दोनों काम रफ के अंदर करो, आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू बी आंसरिंग दीज टू क्वेश्चंस परफेक्टली करेक्ट, ओके। तुम्हारे पास 7 मिनट हैं, ट्राई। प्रथम करेक्ट है, साक्षी करेक्ट है, परशवा गलत है बेटा, उज्जवल करेक्ट है, देव करेक्ट है, साक्षी जो सेकेंड आंसर है बेटा वो गलत है, महक रॉन्ग है, सृष्टि करेक्ट है, आर्यन आपको मेरे को ईओक्यू का फॉर्मूला बोलना है, ईओक्यू का आंसर बोलना है, क्रिश गलत है बेटा, श्रीधर करेक्ट है, प्रथम करेक्ट है बेटा, पहले भी बोला था, परशवा करेक्ट है, अभी सिमरन गलत है, ओके प्रथम, ओके बेटा, कुणाल करेक्ट है, महेश करेक्ट है, आर्यन शायद टाइपिंग एरर होएगा शायद, परशवा करेक्ट है, कुशाल रॉन्ग है। मैं आपको एक मिनट कम दूंगा, जब यहाँ पे 1 मिनट बच जाएगा आई विल स्टार्ट, क्योंकि एवरीबॉडी इज रिप्लाइंग, तो मेरे को लगता है मैंने ज़्यादा टाइम ले दिया। कुशाल रॉन्ग है, दीप करेक्ट है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पार्ट बी के अंदर नहीं पूछा है, जो पूछा है तो उसका आंसर देना, उन लोगों ने ये नहीं पूछा फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उन लोगों ने इन्वेंटरी साइकिल पूछा हुआ है। हरमनजीत गलत है बेटा, महक गलत है, चलो तुम्हारा टाइम जो है इट्स ओवर, लेट्स स्टार्ट। सुनो यहां पे एक एक करके ना हम लोग पहले हर चीज कंप्यूट करेंगे, देखो पहले मेरे को सब लोग बोलना, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि 1 लाख इज नॉट ए, तुमको उतना तो समझा, 1 लाख क्या है बेटा, इट इज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, तुम्हारा ए का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल कितना खरीदना है, ठीक है, तो अपने को वो चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वी शैल स्टार्ट। देखो अगर मैं 1 केजी बोलता हूं, दैट बी बेटर, अगर मैं 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल यूज करता हूं फॉर प्रोडक्शन, उससे 2.5 यूनिट जो है, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं 1 केजी यहां पे ऑफ रॉ मटेरियल यूज करता हूं तो उससे 2.5 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बन जाते हैं, अपने को कितना फिनिश गुड्स वो बनाने का है, 1 लाख,
सो देयरफॉर कितने रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी? 40,000. ठीक है, सुन अभी एक चीज सब लोग सुनना, इवन इफ यू ऑल हैव गॉट द करेक्ट आंसर. टेक्निकली 40,000 इज नॉट ए, 40,000 इज क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ रॉ मटेरियल. जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज होगा दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी कंज्यूम्ड. लेकिन एक चीज सोच के बोलो, हम लोगों ने प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट के लिए वाला चीज किया था, मेरे को बोलो क्वांटिटी कंज्यूम से क्वांटिटी परचेज तक पहुंचने के लिए क्या ऐड करते हो, क्या लेस करते हो? बोलो, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. लेकिन ना इस क्वेश्चन के अंदर रॉ मटेरियल स्टॉक्स नहीं है, तो अगर रॉ मटेरियल स्टॉक्स नहीं है देन इन दैट पर्टिकुलर केस क्वांटिटी कंज्यूम विल बिकम इक्वल टू क्वांटिटी परचेज्ड. तो फाइनली तुम्हारा जो ए का वैल्यू है ओके, वो भी 40,000 ही हो जाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर. चलो ठीक, सुनो. तो अभी एटलीस्ट ये वाला जो पार्ट है वो लिखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यू ऑल राइट डाउन प्लीज, लिखो. क्वेश्चन नंबर 10, पहले ना ये वाला चीज लिखना, क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 1 lakh डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू 40,000 की चीज. सर हाँ जी, अगर क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहता तो टीसीआई में फॉर्मूला भी चेंज हो जाता ना, मतलब फिर क्यों बेटा? एवरेज स्टॉक लेते हैं ना, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बराबर है, लेकिन तब भी ना आई कम बैक टू दैट. वो ऐसा ना शायद एक क्वेश्चन के अंदर आएगा, सो दैट टाइम यू कैन आस्क. ठीक है, ओके. हाँ चलो, ये हो जाएगा तुम्हारा क्वांटिटी कंज्यूम. नेक्स्ट लाइन पे लिखो, एज देयर आर no RM stocks, quantity consumed is equal to quantity purchased is equal to A is equal to 4,000 kgs. 40,000 is equal to 40,000 kgs. 40,000. चलो सुन, ये हो गया तुम्हारा एक आंसर. ठीक है, फिर उसके बाद अपने को और क्या चाहिए था? सी ए सम के नजरा देख लो, वो ना डायरेक्टली ही दे के रखा हुआ है. सुनो, डायरेक्टली कैसे दे के रखा हुआ है? देर इज अ हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ 360 प्लस फ्रेट कॉस्ट ऑफ 390. आगे जरा देखो, बहुत क्लियरली दिया हुआ है पर ऑर्डर, मतलब बोथ ऑफ देम इन दिस पर्टिकुलर केस आर विच कॉस्ट यार? योर तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी. ठीक है, तो एक काम जरा करो, यहां पर आप लोग बिल्कुल वैसे लिखना जैसे सम के अंदर है. देर इज हैंडलिंग कॉस्ट प्लस फ्रेट कॉस्ट तो दिस इज 360 प्लस 390 इज इक्वल टू रुपीज 750. अच्छा, सी आई के लिए ना सब लोग एक नोट लिखना. एक सेकेंड, अगर मैंने वो वाला नोट नीचे दिया हुआ है फिर कोई जरूरत नहीं है. देखो, सी आई यूजली इंक्लूड्स इंटरेस्ट कॉस्ट बट कैन इंक्लूड द स्टोरेज कॉस्ट सच एज द रेफ्रिजरेशन कॉस्ट. तो चलो ठीक है, अभी दैट नोट देन आई विल नॉट गिव यू ऑल्सो, बस ये वाला थिंग यू ऑल राइट डाउन. सी आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट. अच्छा देखो, ऑल्दो इट इज इररिलेवेंट कि क्या इंटरेस्ट कॉस्ट है क्या स्टोरेज कॉस्ट है, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इन अ प्रॉपर मैनर. देखो, द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.5 पर केजी पर मंथ, लेकिन अपने को पर केजी पर एनम चाहिए, तो इंटू 12 कर देगा. ठीक है, सो 0.5 इंटू 12 ये आ जाएगा 6. लेकिन ना यहां पर जो वर्ड्स थे सिर्फ कैरिंग कॉस्ट ही थे, यहां पे उन लोगों ने और कुछ नहीं बोला, तो मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ रहा हूं.
In addition, cost of working capital finance on investment in inventory of raw material is rupees 9 per kg per annum. मेरे को बोलो ये जो 9 रुपया है वैसे उन लोगों ने बहुत क्लियरली दिया हुआ है ये इंटरेस्ट वाला पार्ट है कि स्टोरेज कॉस्ट वाला पार्ट है interest. ये इंटरेस्ट वाला पार्ट है ठीक है अगर ये इंटरेस्ट वाला पार्ट है ना तो आई विल राइट इट बिलो दैट इंटरेस्ट वाला पार्ट होनी ठीक है तो ये 9 रुपीज है और ये जो है 0.5 इंटू 12 कर देगा तो दिस विल बी 9 प्लस 6 इज इक्वल टू रुपीज 15 पर के जी पर एन ठीक है चलो ये वाला जो अपना पार्ट था दिस इज ऑल टुगेदर डन पार्ट ए के अंदर ईओ क्यू पूछा हुआ है राइट डाउन ए ईओ क्यू स्क्वेयर रूट ऑफ 2ACA अपॉन सी आई ये कर लेना आंसर 2000 केजीज तुम्हारा आ जाएगा अच्छा इन्वेंट्री साइकिल इन्वेंट्री साइकिल सुनो उस दिन मैंने दो मेथड से किया था एक मेथड के ना जरा याद करो नंबर ऑफ ऑर्डर्स वाला डेटा यूज किया था और एक जगह पर नंबर ऑफ यूनिट्स वाला मेरे को बोलो अभी नंबर ऑफ ऑर्डर्स वाला करूं कि यूनिट्स वाला करूं यूनिट्स वाला वरना नंबर ऑफ ऑर्डर्स अपने को पहले कंप्यूट वो करना पड़ेगा अभी वो कौन करेगा यार तो यहां पर जरा लिखो यूनिट्स यहां पर लिख लेना डेज अच्छा तो पूरे साल के अंदर कितना यूनिट्स खरीदोगे 4000 पूरे साल के ना लेट्स अज्यूम 360 डेज यहां पे लिख लो यार 40000 है 40000 सॉरी अज्यूमिंग 360 डेज अच्छा एक बारी में कितना खरीदेगा 2000 तो एक ऑर्डर 18 डेज चलो सुनो मेरी बात देखो अभी इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट पार्ट ओके बराबर से सुनना वट एवर आई विल बी सेइंग नाउ देखो ये क्वेश्चन मैं दो रीजंस की वजह से कर रहा था ताकि तुम लोग को ए का मतलब बता सकूं ठीक है तो ए इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज इन वन ईयर सी ए का जो मतलब है वो समझा सकूं दैट ऑल्सो वन थिंग आई हैव डन ओके सी आई का न्यू मतलब डिटेल मतलब वो समझा सकूं लास्ट पार्ट पार्ट थ्री इज अगेन अबाउट ऑफर लेकिन यहां पे करना कुछ और है पढ़ो जरा इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज द ऑर्डर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस एक सेकेंड तुम्हारा पार्ट टू के अंदर तुम लोग कितने दिनों के बाद एक ऑर्डर को प्लेस करते हो 18 डेज अभी ना मैं थक गया अभी ना मैं थक गया मेरे को लगता है यार हर 18 दिन के बाद ऑर्डर प्लेस कर मेरे को वो सब कुछ नहीं करने का है ठीक है आई थॉट आई वांट टू प्लेस द ऑर्डर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस मेरे को बोलो क्वार्टरली बेसिस मतलब वंस एवरी क्वार्टर मतलब कितना टाइम्स इन अ ईयर फोर टाइम्स इन अ ईयर चलो ठीक है इफ यू वांट टू ऑर्डर फोर टाइम्स इन अ ईयर पूरे साल के अंदर तो फिर भी 40000 ही खरीदोगे और अगर साल के ना चार बार ही खरीदोगे मतलब एक बारी में कितना यूनिट्स खरीदोगे 10,000 तो पहले ना ये वाला चीज फेयर के अंदर वो लिख लो देन आई विल टेल यू ऑल द फर्दर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ठीक है तो यहां पे जरा लिखो ऑफर इज टू परचेज क्वार्टरली दैट इज फोर टाइम्स in the year. Therefore, Q is equal to
40,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10,000 केजीज लिख लेना। अच्छा सुनो, तो ऑफर कुछ ऐसे था। अभी आगे पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड, अज्यूम दैट कैरिंग कॉस्ट डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन चेंज इन प्राइस। वो लोग क्या बोल देते हैं, अजम्पशन मार लेना कि कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होता, मतलब ओरिजिनली कितना था 15 और अभी भी कितना रहेगा 15। चलो वो तो ठीक है, वो इनफैक्ट तुम्हारे लिए गुड न्यूज ही है, ठीक है। तो सी आई तो 15 ही रहने वाला है, ठीक है। उन लोगों ने क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड। सुनो सुनो सर, मैं तुमको बस मतलब समझा रहा मतलब वो समझा रहा हूं और कुछ नहीं। इससे पहले ऑफर्स के अंदर क्या होता था, एक सप्लायर आता था, बोलता था मुझसे बल्क में खरीद ले, तेको डिस्काउंट देता हूं। यू हैड टू बी थिंकिंग सर एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें। अभी क्या है, तुम लोग ना पहले एक बारी में, ध्यान से सुनना, तुम लोग पहले एक बारी में कितना क्वांटिटी खरीदते थे, 2000, ठीक है। तो ईओक्यू वाला फंडा फॉलो करते थे। अभी एक सप्लायर तेरे पास आता है या फिर तू कोई सप्लायर के पास जाता है, तेरे दिमाग में है एक बारी में 10,000 किलो खरीदूंगा, और तुमको क्या जानने का है कि वो सप्लायर तेरे को कितने परसेंट का डिस्काउंट दे, ताकि यू कैन थिंक ऑफ एक्सेप्टिंग सच ऑफर। तुमको क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? तो तुमको ना वो वाला डिस्काउंट चाहिए जो पिछले 2-3 क्वेश्चंस के अंदर होता था हमारे पास। यू वांट दैट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। अभी तुम लोग ट्राई करो, मैं तुमको 6 मिनट देता हूं, बस मेरे को परसेंटेज जो है वो वाला आंसर मैसेज करना और कुछ नहीं, ठीक है। मैसेज मीन दैट पर्टिकुलर आंसर ओनली। सोचो कि कैसे करोगे। क्या हुआ, तुमको बस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कंप्यूट करना है जो पिछले क्वेश्चंस के अंदर वो होता था, ठीक है। ये पार्ट 3 पढ़ो तो वो समझ में आ जाएगा। यू हैव टू कंप्यूट दैट परसेंटेज दैट वाज देयर इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। Some people should have got the answer till now, यार। मेरे को परसेंटेज मैसेज करना, परसेंटेज परसेंटेज। उज्ज्वल करेक्ट है, एक ही बार करो चलेगा। श्रीधर करेक्ट है, कुशाल जैन करेक्ट है। श्रद्धा करेक्ट है, वत्सल करेक्ट है, गीता गलत है बेटा। साक्षी करेक्ट है, ध्रुव करेक्ट है, मीत करेक्ट है, प्रथम गलत है, महेश करेक्ट है। परश्वा रॉन्ग है। मेरे को परसेंटेज बताना प्लीज, आई रिक्वायर दैट परसेंटेज।
साहिल रॉन्ग है, हर्षवा रॉन्ग है, दीप करेक्ट है, चल पार्थ रॉन्ग है, विदा विधि गलत है, चलो सुनो अब ना मेरे को कुछ पूछने का है, दोज पीपल हैव आंसर्ड करेक्टली ऑल्सो प्लीज कोऑपरेट, रोशन गलत है, सुनो मेरी बात, देखो इन दिस केस नो, अगर आप लोग ऑफर के लिए जाते हो पहले मेरे को बोलो एक डिसएडवांटेज होगा, मेरे को वर्ड्स के अंदर बोलो नंबर्स मत बोलो, मेरे को बोलो डिसएडवांटेज क्या होगा, टी बढ़ जाएगा, तुम्हारा टी बढ़ जाएगा क्योंकि टी इज ऑलवेज लीस्ट एट ईओक्यू, ईओक्यू के अलावा कुछ भी कर रहे हो टी बढ़ जाएगा, तो पहले ना वो एक्स्ट्रा टी निकाल लेते हैं ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे, तो यहां पे पहले जरा लिखना टी एट ईओक्यू, एक बोलो सेकंड फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला के सर कुछ भी कर लो, हाँ लेकिन मेरे ख्याल से अभी कुछ इजी वीजी का नहीं है, दोनों के ना तुम लोग कैलसी ही यूज वो करने वाले हो, सो एनीथिंग इज ओके, तुमको सेकंड भी यूज करने का है तो भी एग्जैक्टली उतना ही टाइम जाने वाला है, अभी आगे फिर तुम्हारी मर्जी, सी दैट आई एम यूजिंग थर्ड, यू ऑल कैन यूज द सेकंड फॉर्मूला ऑल्सो, स्क्वायर रूट ऑफ 2ACA डिवाइडेड बाई सी आई, 2 × 40,000 × 750 × 15 का स्क्वायर रूट, ये वाला आंसर निकाल लेना, टी अंडर ऑफर ऑब्वियसली अभी तो सेकेंड वाला फॉर्मूला ही आ जाएगा, ए बाई क्यू इंटू सी ए प्लस क्यू बाई टू इंटू सी आई, ए जो है 40,000 डिवाइडेड बाई क्यू 10,000 इंटू सी ए 750 प्लस 750 अपॉन टू, एक मिनट 750 अपॉन टू क्यों भाई, 10,000 अपॉन टू इंटू सी आई, सामने बोला चेंज नहीं होगा तो 15, सृष्टि करेक्ट है, ये वाला आंसर वर्कआउट करो, दोनों का टोटल मारना 78,000 आएगा, अच्छा तो अगर आप लोग ऑफर के लिए जाओगे ना तो एक्स्ट्रा टी का फटका कितने रुपीस का पड़ेगा, 48,000, अभी ध्यान से सुना है ना, एवरीबडी ट्राइज टू आंसर, अगर आप लोग ऑफर के लिए जाओगे तो आपका टी का इतना एक्स्ट्रा खर्चा लग जाएगा ठीक है, मेरे को बोलो व्हेन यू विल स्टिल बी इंटरेस्टेड इन द ऑफर, जब तुमको कोई इतने रुपीस का डिस्काउंट दे दे ताकि अगर तेरा टी वाला कॉस्ट बढ़े, आगे बोलो, तेरा परचेस कॉस्ट तो कम हो जाए, तो मेरे को इतने का डिस्काउंट चाहिए, आई वॉन्ट 48,000 रुपीस का डिस्काउंट ऑब्वियसली बाय परचेजिंग 40,000 यूनिट्स, so therefore discount per unit वो कितना आ जाएगा 1.2, अगर आप ऑफर के लिए जाओगे तो आपका इतना एक्स्ट्रा टी लग रहा है, इतना एक्स्ट्रा टी लग रहा है, फिर भी अपने को अगर ऑफर के लिए जाने का है तो अपने को कुछ ना कुछ एडवांटेज तो मिलना चाहिए, डिसएडवांटेज तो ऑलरेडी है कि ईओ क्यू के अलावा कुछ भी और करेंगे टी का एक्स्ट्रा खर्चा लग जाएगा, तो टी का एक्स्ट्रा खर्चा 48,000 का लग रहा है, व्हेन यू विल बी स्टिल इंटरेस्टेड इन द ऑफर, यू विल बी इंटरेस्टेड इन द ऑफर व्हेन कोई तेरे को इतने का डिस्काउंट दे दे ताकि जितना मेरा एक्स्ट्रा टी लग रहा है, अभी आगे तू ही बोल,
तो उतना मेरा जो परचेज कॉस्ट है वो कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली आई विल बी विलिंग टू एक्सेप्ट दी ऑफर, ताकि अगर एक कॉस्ट बढ़े तो मेरे को डिस्काउंट के थ्रू मेरा दूसरा कॉस्ट तो कम हो जाए. ओके, तो यहां पर इन दिस केस दिस इज ऑल टुगेदर डन. अपने को परसेंटेज चाहिए मेरे ख्याल से, सो डिस्काउंट इन परसेंटेज 1.2 का डिस्काउंट चाहिए ऑन परचेज प्राइस ऑफ 60. देखो यहाँ पे 60 था शायद अपने पास, यहाँ पर 60 रुपीज था, किधर ना किधर, किधर चला गया भाई. हाँ ये 60 रुपीज, सो डिवाइडेड बाय 60 × 100 2%. अच्छा मैं तुम लोगों को अभी दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, मेरे को सॉल्व करके देना, मतलब मेरे को वो ओरली बताना क्या सॉल्व करके देना. कोई एक सप्लायर मेरे पास आता है, बोलता है एक बारी में मुझसे 10,000 खरीद ले. मैंने बोला तो क्या? बोलता तेरे को एग्जैक्टली 2% का डिस्काउंट देगा. ओके, मेरे को जरा बोलो, शुड आई एक्सेप्ट, शुड आई रिजेक्ट? यू विल बी इनडिफरेंट, यू विल बी इनडिफरेंट. सबको इनडिफरेंट का मतलब तो समझ में आता है. अगर मेरे को एग्जैक्टली 2% का ही डिस्काउंट मिलेगा, माय कॉस्ट इन एनी केस विल बिकम सेम ओनली नो देन. ठीक है, वो बंदा बोलता है तेको 2.5% का डिस्काउंट देगा, 2.5% का. मेरे को बोलो एक्सेप्ट के रिजेक्ट? एक्सेप्ट. वो बंदा बोलता है कि तेरे को 2.25% का डिस्काउंट देगा, मेरे को बोलो एक्सेप्ट के रिजेक्ट? रिजेक्ट. सो द मिनिमम डिस्काउंट दैट यू विल बी वांटिंग इज कितना परसेंट यार? 2%. तो तुम लोग मिनिमम डिस्काउंट वाला जो आंसर है ना वो निकाल सकते हो कि अगर अपने को इतना भी मिल गया, वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर. ओके, तो यहां पे यू ऑल कैन राइट डाउन, लिखो the supplier should give minimum discount of 2% so that company can accept the offer. सुन, क्वेश्चन नंबर 11 ना, यहां पे यू ऑल कैन राइट डाउन, आस्क्ड 10 times इन एग्जाम्स. आगे लिख सकते हो ICAI solves it wrong. उन्होंने 10 बार गलत आंसर दिया हुआ है, और क्या गलती थी अगर मेरे को टाइम मिलेगा आई ट्राई टू टेल यू, क्योंकि व्हाट दे ऑल डिड देयर इज नो लॉजिक इन दैट. ओके, तो सुनो, अभी दिस क्वेश्चन नो इज समथिंग वेरी स्पेशल. ओके, और ये वाला क्वेश्चन यू हैव टू बी डूइंग वन डे बिफोर द एग्जाम्स फॉर श्योर, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो करने का ही है अपने को. ठीक है, चलिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर लेते हैं. नाउ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस एंड आई स्टिल से वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन रियल लाइफ. ओके, उससे पहले जस्ट फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, जस्ट लाइक यू नो फ्रॉम वेयर डू सच थिंग्स कम ऑल्सो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना. देखो मेरे को जरा बोलो, सपोज लाइक यू नो तुम लोग को तुम्हारी मम्मी ने बोला कि ना जाकर तू मार्केट से बनानास लेकर आ, ठीक है, बनानास. तू बनाना वाले के पास गया और उसको बोला, बॉस मेरे को ना तुम 3 बनानास दे दो, तो कितने का लगाओगे? तो बोलता है चलो ठीक है, हम तुमको 3 बनानास चलो 10 रुपए के अंदर देते हैं. फिर तुमने उसको पूछा लाइक यू नो कि 4 बनानास कितने में दोगे? Obviously he will look at you in a very strange way. फिर तुम लोग पूछता है 5 बनानास कितने में देगे, 6 बनानास तुम कितने में देगे, 7 बनानास तुम कितने में, कभी ना कभी तो पिटेगा सॉलिड. ओके,
ऑब्वियसली इन रियल लाइफ क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल गिव यू स्लैब्स द वे दैट इट इज देयर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई इस क्वांटिटी से इस क्वांटिटी के अंदर तू कुछ खरीद ले तेरे को डिस्काउंट देता हूं, या फिर इतनी बड़ी क्वांटिटी से लेके इतनी बड़ी क्वांटिटी तक तू कुछ खरीद ले तो तेरे को डिस्काउंट देता हूं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थोड़ा सा वैसा ही है. ओके, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन के अंदर क्या है. एक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट्स ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल्स एज अंडर. ठीक है, तो ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट क्या है? प्राइस पर टन एंड नंबर ऑफ टन्स. प्राइस पर टन एंड नंबर ऑफ टन्स. ध्यान से सुनना, अगर 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 एक बारी में, पहले ना ये वाला कॉलम पढ़ना फिर ये वाला पढ़ना, अगर एक बारी में 500 से कम का क्वांटिटी ऑर्डर करेगा ना तो तेरे को हर एक यूनिट कितने का पड़ेगा? 1200 रुपए का. ठीक, उसके बाद 500 एंड लेस देन 1000. 500 एंड लेस देन 1000 मतलब 500 टू 999. तो 500 से लेके 999 के बीच में कुछ भी क्वांटिटी ऑर्डर कर दे, देखो हर यूनिट 1180 का पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा 20 रुपया पर यूनिट के हिसाब से. 1000 टू 1999, सब लोगों को समझा मैंने 1999 क्यों बोला? ठीक है, तो 1160, 2000 टू 2999 1140, 3000 एंड अबव 1120, बस वो लास्ट लिमिट है. द एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द मटेरियल इज 5000 टन्स. मेरे को बोलो 5000 क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा. द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1200, तो ये सी ए हो जाएगा. ठीक है, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट बोले तो कैरिंग कॉस्ट होता है, इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम. चलो ठीक है, तो ये जो 20% है ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट का रेट ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम. चलो ठीक है, आगे यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल. आपको क्या करना है? वही करना है जिसके लिए हम लोग ये वाला चैप्टर कर रहे हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल. पता करो एक बारी में कितना खरीदने का है. ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को ना आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट मैनर, वरना ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, स्पेशली हमारा आंसर करने के बाद ना. इफ आई एवर ट्राई टू टेल यू, आई एम नॉट श्योर आई टेल यू, ओके, बिकॉज दैट माइट कंफ्यूज यू मोर एंड यू माइट स्टार्ट टू हैव डाउट्स कि मेरे को आईसीए के ऊपर किस हद तक भरोसा करना चाहिए. सो दैट आई सी बेस्ड अपॉन योर रिएक्शंस. लेकिन ये वाला क्वेश्चन ओरिजिनली ऐसा सोचना चाहिए. तुम लोग मेरे को जरा बोलना, इस क्वेश्चन के अंदर ए कितना है? ए का वैल्यू कितना है? 5000. तो ए का जो वैल्यू है वो इस क्वेश्चन के अंदर 5000 है. ठीक है, नाउ तुमको ये पता लगाना है कि यार क्यू कितना होना चाहिए. लास्ट लाइन वही था, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज ले, एक बारी में कितना खरीदूं. इकोनॉमिकल मतलब जिसके अंदर सबसे सस्ता पड़ेगा. ओके, अच्छा देखो तुमको ये लाइन समझ में आती कि नहीं. अगर ए 5000 यूनिट्स है तो क्यू के लिए तुम्हारे पास 5000 ऑप्शंस तो हैं. तुमको ये लाइन समझ में आती है? यू कैन परचेज एनी क्वांटिटी एट वन टाइम. सर आई कैन परचेज 1 यूनिट एट वन टाइम, ऑब्वियसली यू कैन. सर आई कैन परचेज 2 यूनिट्स एट वन टाइम, ऑब्वियसली यू कैन. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दिस ऑप्शंस गो अप टू 5000. यू कैन परचेज एंटायर क्वांटिटी एट वन टाइम. इन सारे ऑप्शंस के अंदर से विच इज द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज आवर जॉब टू बी फाइंडिंग आउट. तो हम लोग इस सम के एंड तक ये वाली चीज पता लगा लेंगे दैट विच इज द बेस्ट, एक बारी में कितना खरीदने का. ठीक है, एक बारी में कितना खरीदने का. नाउ ऑल दीज 5000 ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन नो हैव बीन डिवाइडेड अप इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज. फर्स्ट वाला लेस देन 500, ये वाली कैटेगरी देखना. लेस देन 500, लेस देन 500 मतलब एक बारी में एक यूनिट खरीदो या 2 यूनिट खरीदो या 3 खरीदो या 4 खरीदो या 5 खरीदो या 6 या 7 या 10 या 20 या 100 या 200 या 300 या 499. एक बारी में भाई तू जो भी खरीद, तेरे को जो भी खरीदने का है तू खरीद.
मेरे को जरा बोलो, तू एक बारी में कुछ भी क्वांटिटी खरीदेगा आउट ऑफ दीज ऑप्शन, मतलब 1 से लेके 4, देखो हर यूनिट कितने का पड़ेगा, एक नंबर बोलो। 1200। देखो हर एक यूनिट जो है 1200 का पड़ेगा, ठीक है। अभी बराबर से सुनना मैं क्या बोलता हूं, देखो नो मैटर, देखो ये लाइन समझ में आती है कि नहीं, नो मैटर विच ऑप्शन यू सिलेक्ट आउट ऑफ दीज 499 ऑप्शन, ये लाइन समझा जो मैंने बोला, नो मैटर विच ऑप्शन यू सिलेक्ट आउट ऑफ 499 ऑप्शन देर इज नो डिस्काउंट एज सच। ओके, डिस्काउंट कब आएगा, जब तू 499 के ऊपर जाएगा, लेकिन अगर तू 1 से लेके 499 तक कुछ भी ऑर्डर करता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस तुम्हारा यहां पर जो सीपीयू है वो तो 1200 का 1200 ही रहेगा। इज दैट ओके? ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं अगर मैंने इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया ना, मेरे को कोऑपरेट करो इस क्वेश्चन के अंदर, आई गॉट टू बी नोइंग दैट वेदर यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ऑन ऑर, वरना मैं एंड तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इन दिस केस ना मैं सोचता हूं यार इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन के लिए जाऊं, मेरा पूरे साल का परचेज कॉस्ट कितना होगा, दैट विल बी ए इंटू सीपीयू, ए जो है दैट इज 5000, सीपीयू जो है दैट्स 1200, तो दिस पर्टिकुलर फिगर विल बी नथिंग बट 60 लाख रुपीज। अभी एक लाइन बोलता हूं, देखो समझ लेना, नो मैटर यू ऑर्डर 1 यूनिट एट 1 टाइम, नो मैटर यू ऑर्डर 2 यूनिट्स एट 1 टाइम, 3 यूनिट्स एट 1 टाइम, 10 यूनिट्स एट 1 टाइम, 100 एट 1 टाइम, 400 एट 1 टाइम, 499 यूनिट्स एट 1 टाइम, नो मैटर हाउ मच डू यू ऑर्डर एट वन पर्टिकुलर टाइम, पूरे साल के ने तो 5000 यूनिट ही ऑर्डर करेगा और हर यूनिट का कॉस्ट तो 1200 ही रहेगा, तो पूरे साल का कॉस्ट तुम्हारा 60 लाख रुपए रहेगा। इज दिस ओके? ठीक है। नाउ अभी नेक्स्ट लाइन मेरा क्या है, आई एम थिंकिंग इन 499 ऑप्शंस के अंदर से विच इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, एटलीस्ट ये 499 ऑप्शंस के अंदर से तो बेस्ट ऑप्शन निकालूं, तो कंप्लीट करना व्हाट एवर आई विल बी सेइंग, नो मैटर विच ऑप्शन यू सिलेक्ट आउट ऑफ दीज, परचेज कॉस्ट इन एनी केस विल रिमेन कॉन्स्टेंट, सो देयरफॉर That option will be the best option where T will be least, क्योंकि देखो purchase cost तो वैसे भी constant हो गया, purchase cost के अलावा कौन सा खर्चा बच जाता है, T, तो अभी T को कम करने का try करो यार। Okay, और अभी एक और line complete करो, T gets minimized at, fill in the blanks, T gets minimized at EOQ. This gives you a small idea to start this question, जो आईसी के दिमाग में आज तक पिछले 70 सालों से नहीं आया। Okay, you can try to compute the number of years. I exactly don't know इन लोगों ने कभी start किया था ये वाला paper, लेकिन इतने सालों के अंदर उन लोगों को ये वाला जो चीज है वो नहीं पता चला। तो obviously in this case you should try to be finding out EOQ. Okay, I'm not saying that EOQ इतना आएगा, मैं बोल भी नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं बोल भी नहीं रहा हूं। सपोज EOQ जो है 300 यूनिट आया, कुछ भी, मैंने वो कंप्यूट भी नहीं किया आज तक, ठीक है, लेकिन सपोज वो 300 आया, तो इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ ऑल दीज 499 ऑप्शंस, आगे कोई बोलेगा 300 इज द बेस्ट ऑप्शन, यू शुड ऑर्डर 399 यूनिट, सॉरी यू शुड ऑर्डर 300 यूनिट्स एट वन टाइम। अगर 300 यूनिट एक बारी में ऑर्डर करेगा भाई, तेरा सबसे कम कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, टी, परचेज कॉस्ट, तो वैसे भी तेरा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है। चलो ये एक कहानी मेरी खत्म हो गई, ठीक है, अभी ये कहानी खत्म हुई तो दूसरी कहानी स्टार्ट हो गई। मेरी जो सेकंड कैटेगरी है ना, दैट इज 500 एंड लेस देन 1000, सो देयरफॉर दिस इज 500 to 999, ठीक है। उसका मतलब क्या है, मैं एक बारी में 500 यूनिट ऑर्डर करूं, या 501 करूं, या 510 करूं, या 600 करूं, या 800 करूं, या 900 करूं, या 999 करूं, मेरे को बोलो एक बारी में जो भी करूं मेरा हर यूनिट का कॉस्ट कितना पड़ेगा, 1180। नो मैटर विच ऑप्शन यू सिलेक्ट आउट ऑफ दीज पर्टिकुलर ऑप्शंस, तुम्हारा पूरे साल का परचेस कॉस्ट, तुम्हारा पूरे साल का परचेज कॉस्ट विल बी 5000 इंटू सीपीयू, नो विल बी 5000 इंटू 1180, ये वाला फिगर जरा वर्कआउट करो ऑन कैलसी, 59 लाख, ठीक है। चलो अभी देखो ये वाला अभी लाइन समझ में आता है कि नहीं, नो मैटर विच ऑप्शन यू सिलेक्ट आउट ऑफ दीज, व्हेन आई से विच ऑप्शन बोले तो
शुड आई ऑर्डर 500 यूनिट एट वन टाइम, 510 एट वन टाइम, 600 एट वन टाइम, 900 एट वन टाइम, 999 एट वन टाइम? भाई तेरा टोटल परचेज कॉस्ट तो हिलेगा भी नहीं, ठीक है? तो नाउ विच ऑप्शन इज बेटर? सर अगेन दैट ऑप्शन विल बी बेटर वेयर एवर इन दिस पर्टिकुलर केस टी विल बी लीस्ट एंड टी गेट्स मिनिमाइज एट, बोलो, ईओक्यू। तो फिर मैं इस कैटेगरी का भी ईओक्यू निकालूंगा। सपोज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सपोज तुम्हारा ये वाला जो आंसर आया ये 800 यूनिट आ गया, मतलब अगर इस कैटेगरी के अंदर कुछ भी ऑर्डर करने का है तो मैं कितना यूनिट्स ऑर्डर करूं बेटा? 800, ठीक है? 800 विल बी, ये मैंने 300 और 800 कुछ भी फेंका है, वी स्टिल हैव टू बी तो सॉल्विंग द क्वेश्चन, अभी तो मैं कुछ भी लिख रहा हूं, ओके? लेकिन दिस 800 देन विल बिकम द बेस्ट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, ऑब्वियसली द बेस्ट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है? काम खत्म हो गया। डिट्टो सेम काम मैं इधर भी करूंगा, इधर भी करूंगा, इधर करूंगा, तो क्या हो जाएगा? दीज 5000 ऑप्शंस, अभी इसके बाद मैं हाईलाइट कर रहा हूं, विल गेट रिड्यूस्ड टू 5 बेस्ट ऑप्शंस। मेरे को हर कैटेगरी का एक एक बेस्ट पॉइंट मिल जाएगा। तुमको समझा जो मैंने बोला? तो 5000 ऑप्शंस आई हैव रिड्यूस्ड टू 5 बेस्ट ऑप्शंस, और बस अभी ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पक्का कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। उसके बाद मेरे को 5 बेस्ट ऑप्शन नहीं चाहिए, मेरे को तो एक बेस्ट ऑप्शन चाहिए। तो फिर ना मैं ये 5 बेस्ट ऑप्शंस को आपस में कंपेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे को लास्ट चीज बोलना, अपना पोपट मत करवाना इतना चीजें करेक्ट बोल के। जब मैं ये 5 ऑप्शंस को आपस में कंपेयर करूंगा तो मेरे को जरा बोलो, विल आई कंसिडर परचेज कॉस्ट और विल आई नॉट कंसिडर परचेज कॉस्ट? आई विल कंसिडर, क्योंकि याद रखना अंदर 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 परचेज कॉस्ट जो था वो सेम था अंदर अंदर, लेकिन बाहर बाहर परचेज कॉस्ट अलग है ना, उधर 60 लाख है, इधर 59 लाख है, यहां पर भी और डिस्काउंट मिलेगा, यहां पे भी, जब भी डिस्काउंट मिलता है यू हैव टू कंसिडर परचेज कॉस्ट, नो? एक मिनट, तुम लोग बस मेरे को एक लाइन कंफर्म कर दो, तुमको समझा कि जब मैं इसी कैटेगरी के अंदर ही भटकता रहता हूं तो मेरे को परचेज कॉस्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है? मेरे को बोलो क्यों? क्यों? क्योंकि इट इज सेम ओनली, इफ इट इज सेम यू इग्नोर इट, व्हेन इट इज चेंजिंग यू ट्राई टू बी कंसिडरिंग दैट, ठीक है? बस इस क्वेश्चन के ना और भी सरप्राइजेस आएंगे, बट माइट बी आई वॉन्ट दो सरप्राइजेस टू बी कमिंग वेन एवर वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, नॉट राइट नाउ, ठीक है? तो अभी हम लोग एग्जैक्टली यही वाला काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट इन योर नोटबुक यू ऑल राइट नाउ। अभी तक के लिए दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगर तुम लोगों में से कोई बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर कभी जाएगा, मेरे को आई डिडंट वांट टू एवर गो, लेकिन अगर तुम लोगों में से कोई जाएगा, सबसे पहले कॉस्टिंग का मॉड्यूल वो उठाना। आई कैन टेल यू सो मेनी मिस्टेक्स, माइट बी दिस इज द फर्स्ट ऑफ देम, ओके? तो सारी गलतियां उधर चेंज करवाना पहले, इट इज रॉन्ग फॉर अस टू ट्राई टू एजुकेट द पीपल इन अ रॉन्ग वे, ठीक है? चलो तो यहां पे सबसे पहले डेटा लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो ए इज इक्वल टू 5000 टन्स, अच्छा उसके बाद बेटा यहां पर सी ए था 1200, उसके बाद आई 20%। बस मैं ना अभी सी आई वगैरह नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो हर कैटेगरी के हिसाब से चेंज होता रहेगा, ठीक है? तो यहां पर आई एम राइटिंग ऑप्शन 1। ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम 1 to 499 टन्स। एक मिनट, टन्स के स्पेलिंग में को बहुत डाउट होता है, टी ओ एन एन ई एस, ठीक है? चलो अच्छा, तो सबसे पहले मेरे को इस कैटेगरी का ईओ क्यू तो वो निकालना पड़ेगा, तो यहां पे लिखना ईओक्यू स्क्वेयर रूट ऑफ 2
ACA अपॉन CI. स्क्वेयर रूट ऑफ 2 × 5000. बेटा CA जो है वो इधर है 1200 रुपया. CI में इधर ही कंप्यूट कर रहा हूं. CI कैसे कंप्यूट होता है? इट इज CPU इंटू I. तो CPU, एक मिनट, ऑप्शन वन के अंदर बेटा CPU भी कितने का था? 1200. सुनो यहां पे ना दो चीजें सेम है, कंफ्यूज मत होना. दो चीजें तो कौन सी सेम है? CA एंड CPU. करेक्टली हमेशा सोचो कि तुमको किधर क्या चाहिए, क्योंकि बाद में क्या है, CPU तो बदलता रहेगा लेकिन CA जो है वो 1200 रुपया ही रहेगा. CA इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है, अपॉन 1200 × 20% दैट विल बिकम 240. 2 × 5000 × 1200 / 240. ये वाला आंसर वो निकालना ना सारा. अच्छा सुनो 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 आंसर मेरे ख्याल से के ऊपर 223.61 आया. चलो ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तुम लोग इसको ऐसा भी रहने दोगे ना तो भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे ना यहां पे टन्स लिखा हुआ है, टन्स. तुमको एक चीज समझ में आनी चाहिए खुद ब खुद. अगर टन्स लिखा हुआ है ना तो अगर डेसिमल्स के अंदर भी हुआ तो भी चलेगा. अगर मैं तुमको एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो तुम लोग मार्केट जाके मेरे को जरा बोलो, आधा किलो अंगूर ला सकता है कि नहीं लेकर आ सकता है? मैं आधा अंगूर थोड़ी बोल रहा हूं, मैं आधा किलो अंगूर बोल रहा हूं. तो इट इज ओके ऑनेस्टली अगर तुम लोग इसको ऐसे भी रखोगे. ऑल्दो हर एक प्रोफेसर जो है ना इसको राउंड ऑफ कर देता है, बोलता है कि राउंड ऑफ तो करना ही पड़ेगा. ऑनेस्टली राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है. राउंड ऑफ करने की जरूरत तब पड़ती जब यहां पर यूनिट्स वर्ड होता. तुमको समझा जो मैं बोला? वरना तो इट इज टन्स, नो इट इज वेट ना यार. वेट जो है डेसिमल्स के अंदर हो ही सकता है. अभी माय वेट इज दिस मच 0.5 kg, ऐसा हो ही सकता है ना. ये थोड़ी है दैट ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी एज अ होल नंबर यार, ठीक है. लेकिन चलो ठीक है, ज्यादातर लोग राउंड ऑफ कर देते हैं तो हम लोग भी कर ही देते हैं, दैट्स ओके. नहीं भी करोगे तो भी वो चली जाएगा. सुनो, बाद में कभी ना कभी आपको इस ऑप्शन को बाकी ऑप्शंस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा. दैट टाइम आई विल रिक्वायर टी इंक्लूडिंग परचेस कॉस्ट. तो मेरे को अभी टोटल कॉस्ट निकालने का है. टोटल कॉस्ट के अंदर सबसे पहले TCA अलग से निकालता हूं. कोई मेरे को पूछ सकता है, सर आप टी का फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं. कर सकता हूं लेकिन नहीं कर रहा हूं, फॉर सम रीजन आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. A/Q × CA. ए 5000, क्यू 224, क्यू बोले तो ईओ क्यू, इंटू 1200 CA. एक मिनट के बात करना. एड TCI, Q/2 × CI. (224/2) into CI. बेटा इधर 240 था इसलिए मैंने एक बार उसको सिंप्लीफाई करके लिख ही दिया था. एड परचेस कॉस्ट, पांच हजार यूनिट खरीदेंगे. चलो ये हम लोगों ने पहले भी वर्कआउट किया था बेटा, 60 लाख. टू सिक्स सेवन एट सिक्स, अब मैं छुट्टा पैसा नहीं ले रहा हूं, 26880.
अच्छा सुनो मेरी बात सब लोग, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला है। बराबर से सुनना, देखो ये तुम्हारा एक काम तो खत्म हो गया। कोई मेरे को ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता था, ऑल्दो तुम लोग नहीं पूछते हो, सर आपने तो सिखाया था एट ईओक्यू टीसीए एंड टीसीआई शुड ऑलवेज बी सेम, लेकिन आपका टीसीए और टीसीआई सेम नहीं आया सर, ऐसा क्यों? ऑनेस्टली ऑलमोस्ट सेम आया, एग्जैक्टली सेम इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने ये वाला नंबर नहीं लिया। अगर मैं ये वाला नंबर लेता जो मैं तुमको बोल रहा था कि मेरे को वो लेना भी चाहिए लेकिन कोई और वो लेता नहीं है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे 223.6 लिखूं, यहाँ पे 223.6 लिखूं ना, ये दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम हो जाएंगे। अभी तक सेम नहीं है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंस। इज दिस ओके? चलो सुन, बस अभी इस क्वेश्चन को मैं जो भी रीजंस की वजह से कर रहा हूं ना, जो भी मिस्ट्री है, ओके, जो भी सस्पेंस है, अभी खुलेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? मेरा ऑप्शन वन हो गया तो चलो अभी ऑप्शन टू पर चलते हैं। लिखिए जरा प्लीज ऑप्शन टू। ऑर्डर दी क्वांटिटी फ्रॉम 500 टू 999। चलो सुन, तो पिछली बार क्या किया था, बिल्कुल वैसे ही करता हूं यार। ईओ क्यों निकालता हूं, पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2ACA अपॉन CI इज इक्वल टू 2 इंटू 5000। मेरे को बोलो CA कितना लिखूं बेटा अभी? 1200। वो तो 1200 ही लिखेगा बेटा, वो चेंज नहीं होता, CA रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ओके। अपॉन CI, CI के लिए CPU मांगता है, अभी CPU 1180 हो जाएगा, सो 1180 इंटू 20%। टू इंटू 5000 इंटू 1200 अपॉन 236 कितना आता है? 220.49। अच्छा अब जरा सोचो, कुछ अजीब हो गया। मेरे को जरा बोलो तुम्हारे अलावा क्या अजीब हुआ इधर? कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ फॉर श्योर। देखो अभी तुमको ना, अगर मैं पिछला वाला कैटेगरी समझाऊं शायद एक और बार तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो आई हैड टू बी सिलेक्टिंग बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस। इफ आई हैड टू बी सिलेक्टिंग बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शन, विच वॉज द बेस्ट ऑप्शन बॉस? ऑर्डर 224 टन्स एट वन टाइम, ठीक है? दैट वॉज द बेस्ट ऑप्शन दैट वॉज देयर। तो दिस वॉज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल द ऑप्शन, दिस वॉज सपोज टू बी द बेस्ट ऑप्शन, ऑर्डर 224 टन्स। अब जरा सोचो यहां पर यू आर सिलेक्टिंग ऑर्डर द क्वांटिटी फ्रॉम 500 टू 999, तो इस कैटेगरी के अंदर यू हैड टू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम 500 टू 999। तुम्हारा ईओ क्यू क्या बोलता है? ऑर्डर दिस मच एट वन टाइम आई, ये कैसे होएगा? If you order 225.49 tons at one time, you will not remain only, you know, in this particular category. तुमको समझा जो मैं बोला? तो you have to order anything from this to this only. So one thing for sure, this EOQ is not possible. आप लोग इतना quantity तो order नहीं कर सकते. Okay. तो यहां पे तुम लोग लिख के रखो, since EOQ does not lie between 500 to 999, this EOQ is not possible.
अच्छा तो पक्की बात है यू कैन नॉट ऑर्डर 225.49 टन्स। मेरे को सब लोग जरा बोलो डू यू ऑल एग्री टू दिस? तो मैं इतना क्वांटिटी तो ऑर्डर नहीं सर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं ये वाला कैटेगरी के अंदर जा नहीं सकता। बॉस आई कैन स्टिल ऑर्डर एनी क्वांटिटी फ्रॉम 500 टू 999 नो। हाँ आई डू अंडरस्टैंड आई कैन नॉट ऑर्डर दिस क्वांटिटी बट आई स्टिल डू अंडरस्टैंड आई कैन ऑर्डर एनी अदर क्वांटिटी दैट आई वॉन्ट फ्रॉम 500 टू 999। Now question passes to you. Out of all these options that are there, tell me one thing. Which is the quantity that you would like to order? 500. May I know the reason why? अपने को एक ग्राफ हम लोग को मिला था, उस ग्राफ ने अपने को एक चीज समझाया था जो विल्सन ने सब लोग को समझाया। If EOQ is not possible, if EOQ is not possible, आगे बोलो, order the quantity which is nearest to EOQ, ठीक है? तो out of all these options, which is the option which is nearest to the EOQ option? 500, so order 500. अच्छा, अभी सब लोग मेरे को जरा बोलना, ऐसे 50-60 लोग तो होंगे, 100% में बोलो, 100%, जो सोचते होंगे सर आप क्या कुछ भी सिखाता है सर, सर यू शुड ऑर्डर 500 प्लस 225 सर, यू शुड ऑर्डर 725। ओके, कितने लोगों ने ऐसा सोचा मेरे को बोलो, सच्ची बोल, सच्ची बोलना, सच्ची बोलना। सोचा था, चलो ठीक, किसने तो ऐसा भी सोचा होगा। एक्चुअली मैंने ना इसका आंसर बहुत जल्दी आउट कर दिया, मेरे को वेट करना चाहिए था। कई लोगों ने तो यह भी सोचा होगा सर एवरेज करेगा, सर एवरेज This प्लस दिस अपॉन टू अप्रोक्सीमेटली 750 आता है, तो 750 कर देगा सर। मैं वो सब ऑप्शन कितना बेकार है थोड़ी देर के ना प्रूव करूंगा, ठीक है? लेकिन अभी के लिए लेट अस कंटिन्यू। एंड वन मोर थिंग, ये जो 225 है ना बेटा, ये किधर से चालू नहीं होता है। सम पीपल स्टार्ट टू बी सर 225 इधर से चालू, अरे इधर से क्या चालू बेटा, दिस इज क्वांटिटी दैट यू ऑर्डर, ये किधर से चालू नहीं होता। इट ओनली मीन्स यू शुड ऑर्डर 225 टन सर, तुमको समझा जो मैं बोला? Yes, ये किधर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, दिस इज इंडिपेंडेंट नंबर। यू शुड ऑर्डर 500 सॉरी यू शुड ऑर्डर 225.49 टन्स एट वन टाइम। इफ दिस फिगर इज नॉट पॉसिबल रिमेन क्लोजेस्ट टू ईओक्यू। ओके, पहले ये वाला काम कर लेते हैं, फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी और थॉट था ना वो मैं दो मिनट के ना प्रूव कर दूंगा कि वो बेकार थॉट थे, ठीक है? तो यहां पे अभी तुम लोग जरा लिखो, इफ ईओक्यू इज not possible, order quantity nearest to EOQ, that is $500. बस मेरा काम हो गया। अभी इसके बाद वही वाला चीज हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं जो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर किया था, ताकि बाद में कंपैरिजन वगैरह कर सको। लिखो जरा प्लीज ये तीनों चीजें। अंश, अगर आपने वो सोचा तो मैं वो भी प्रूफ कर दूंगा, लेकिन वो दोनों ऐड करने के बाद भी जो आंसर आता है दैट इज नेवर एवर आंसर दैट्स पॉसिबल। I'll prove those things. Ansh, although that has got no logic also, but still I'll prove those things. Now you are going to be ordering kitna tons at one time. Agar is category ke andar rahoge, to kitna quantity order karna padega apne ko bolo? 500. So now Q will be 5. Although 500 is not EOQ. बट स्टिल यू हैव टू बी ऑर्डरिंग दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, 5000 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 1200। हर चीज के लिए जिंदगी में कैलसी ना ही यूज करते, ये 10 ऑर्डर्स है बेटा इंटू 12000, अभी उसके लिए भी कैलसी यूज करें आप लोग। आगे 500 डिवाइडेड बाई 2
into 236, 59,000 is equal to A into CPU, 5,000 into, into 1180, 59 lakhs. 59,71,000. चलो सुनो, नाउ ऑल द वाकड़े आंसर्स, वाकड़े मतलब अजीब आंसर्स, ऑल अदर थॉट्स दैट कुड हैव कम टू एनीबडीज माइंड, मैं बस तुमको प्रूफ करके दे रहा हूं कि 500 के अलावा कुछ भी ले लेना तुम्हारा कॉस्ट बढ़ेगा. देखो, किसने सोचा था 725, तो 725 ले लेते हैं. इन दोनों का टोटल 71,000 है. वो जो अपना ग्राफ था ना, वो टी वाला ग्राफ था, तो टी इज टोटल ऑफ दिस एंड दिस. तुम लोग क्या करो, 500 के बदले में 725 लो, टीसीए कंप्यूट करो, टीसीआई कंप्यूट करो, और उसका टोटल मारना 71,000 से ज्यादा आएगा. ट्राई कर लो ना एक बार, और 500 के अलावा कुछ भी और नंबर ले लो फ्रॉम 500 टू 999, कुछ भी नंबर जो भी तुम्हारे मन में है वो लेकर वो देख लो. मैं 725 चलो लेता हूं. 500 डिवाइडेड बाय 725 इंटू 1200, यह आ जाता है 8276. उसके बाद 725 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 236, 85550 प्लस 8276. आई थिंक आई हैव प्रूवन. ओके, आप लोग कुछ भी नंबर ले लो. ओके, इन एनी केस ऑल दो थिंग्स डू नॉट मेक एनी सेंस. अगेन आई रिपीट, ये ईओक्यू है, एक इंडिपेंडेंट नंबर है, ये किधर से स्टार्ट नहीं होता है बेटा. ओके, दिस इज द क्वांटिटी दैट यू शुड ऑर्डर. इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑर्डर द क्वांटिटी विच इज नियरेस्ट टू ईओक्यू. ठीक है, थर्ड फॉर्मूला से निकाल ही नहीं सकते क्योंकि आप ईओक्यू नहीं ऑर्डर कर रहे ना. ठीक है, इसके लिए मैंने ना फर्स्ट टाइम भी जब ही सॉल्व किया ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तब भी ना वो थर्ड फॉर्मूला नहीं यूज किया इन दोनों के बदले में, क्योंकि मैं एग्जैक्टली इसके लिए नहीं गया था. मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया था टू 224. एक बार उसको कोई और नंबर वो ले लोगे ना, फिर आपका वो वाला जो टी वाला फॉर्मूला है तो लॉजिकली इट विल नॉट अप्लाई. ठीक है, तो इसलिए मैंने टीसी और टीसीआई अलग अलग ही निकाला था. ठीक है, माय वर्क इज डन, आई एम नॉट स्पीकिंग अ वर्ड फर्दर. सुनो, तुम लोग लास्ट थ्री कैटेगरीज खत्म करो. एक बात, जब भी तुम्हारा तीन और कैटेगरीज हो जाएगा उसके अंदर भी वही होएगा जो ऑप्शन टू के अंदर होएगा. सेम प्रेजेंटेशन करना, कुछ अलग मत करना, जस्ट नंबर्स विल चेंज. जब तुम लोग आगे वाली कैटेगरीज करोगे ना, तुम्हारे मन में एक डाउट आना चाहिए, लेकिन तुम्हारे मन में वो वाला डाउट वो नहीं आएगा. दैट आई एम टेलिंग यू ऑल. अगर डाउट नहीं आया मतलब यू आर परफेक्टली क्लियर, देन आई विल आस्क यू दैट डाउट. अगर किसी के मन में वो वाला डाउट होएगा, देन यू कैन आस्क मी. ठीक है, मेरे हिसाब से तो तुम्हारे दिमाग में डाउट भी नहीं आएगा. यू विल कंटिन्यू. तुम्हारे पास 9 मिनट्स हैं, ये वाला सम पूरा का पूरा कंप्लीट करो. बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन करना जैसे था, बिल्कुल सेम. Vidhi, that is luck by chance, beta. Don't draw any conclusions out of it. Ujjwal, correct, beta.
अगर आप वो करते, आप सोचो उससे आंसर्स कैसे पता चलता, विच इज द बेस्ट ऑप्शन. देख लो आप लोग के ये आंसर्स आए रहेंगे. दो मिनट और दे रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल से कई लोग का अभी तक खत्म नहीं हुआ. आराम से खत्म करो. एक सेकंड बेटा. कंक्लूजन लिख लेना वंस योर जॉब इज डन. बोलिए. हाँ बेटा. हाँ क्योंकि बेटा यू आर गोइंग वेरी फार अवे फ्रॉम ईओक्यू. तेरा जो ईओक्यू आता है वो कुछ है और तू बहुत बड़ा नंबर तू ऑर्डर कर रहा है. सो योर कैरिंग कॉस्ट विल राइज ओन यू नो. अगर तू बड़ा बड़ा क्या बोलता है बराबर है बट यू आर नॉट ऑर्डरिंग दैट ईओक्यू नो. तो वो ईओक्यू तो यूजलेस हो गया ना बेटा. यू आर ऑर्डरिंग तेरा जो ईओक्यू है सपोज यहाँ पे वो 227 आया बराबर. यहाँ पे 229 आया. यहाँ पे 231 कुछ इतना आया. लेकिन तू ये क्वांटिटीज नहीं ऑर्डर कर रहा है. तू 500 ऑर्डर कर रहा है भाई. तू 1000 ऑर्डर कर रहा है. कैरिंग कॉस्ट तो इसके हिसाब से तो कंप्यूट हो रहा है ना. ईओक्यू तो कम आएगा ही आएगा तेरे दो ईओक्यूज के अंदर. तू जरा सोच कि फर्क क्या है. सिर्फ कैरिंग कॉस्ट का ही तो फर्क है. तो ईओक्यू हाउ विल द फॉर्मूला इंश्योर दैट ईओक्यू शुड कम बिटवीन अ सर्टेन रेंज. नो तूने फर्स्ट टाइम ईओक्यू निकाला. तूने सेकंड टाइम वो ईओक्यू निकाला. मेरे को बोल जब भी तू ईओक्यू निकाला सिर्फ कौन से डेटा का फर्क हुआ. तू बोलना मेरे को सिर्फ सीआई ही बदला ना.
और वो 4 रुपए से तो हुआ ना कम, और उसका भी स्क्वायर रूट हो गया, तो अल्टीमेटली दैट डिफरेंस विल बी वेरी लेस ओनली नो. ईओ क्यू का फॉर्मूला कैन नॉट इंश्योर दैट आंसर शुड कम बिटवीन 500 to 999. नो हाउ विल ईओ क्यू का फॉर्मूला इंश्योर दैट यू वॉन्ट द आंसर बिटवीन दिस एंड दिस. तो अल्टीमेटली ये उतने से ही वो चेंज होएगा जो आंसर आ रहा है, तो और क्या. यहाँ पे अगर परचेज कॉस्ट के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है तो ईओ क्यू के अंदर भी ज्यादा फर्क तो वो थोड़ी आएगा. ओके चलो सुनो मेरी बात. देखो अभी दिस थिंग इज अ लीज थिंग, तो मैंने कंक्लूजन उसके हिसाब से तो लिखी दिया. कंपनी शुड परचेज 1000 tons एट वन टाइम एस टी इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट विल बी द लीज. ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर अगर तुम लोग आईसीए बुक्स के अंदर देखोगे ना, वो लोग तो सॉलिड अजीब लोग है. उन लोगों ने ना कभी ईओ क्यू भी नहीं निकाला, उन लोगों ने कभी वो ईओ क्यू भी नहीं निकाला. फर्स्ट ऑप्शन के अंदर उनको इसके अंदर से कोई भी एक नंबर लेने का था अपनी मर्जी का, उन लोगों ने 400 यूनिट तो वो ले लिया. कोई पूछ सकता है मेरे को 400 किधर से आया? पूछो तुम लोग कि 400 किधर से आया, पूछो पूछो पूछो. वो मेरे को भी नहीं मालूम, तो फालतू क्वेश्चन कभी पूछने का ही नहीं मेरे को, वो इंस्टीट्यूट को ही मालूम है. ओके, दे ब्लडी डिड नॉट गिव अ सिंगल लॉजिक फ्रॉम वेयर 400 केम, एंड द बेस्ट वे टू प्रूव दैट आर आंसर्स आर करेक्ट. उन लोगों ने जब यहां पर कुछ भी एक फालतू नंबर लिया इसके और इसके बीच का, वो 400 यूनिट का आंसर लिया, 400 टन के हिसाब से जो उनका कॉस्ट आएगा ना वो इससे ज्यादा ही आएगा. अपना कॉस्ट सबसे कम आएगा ऑप्शन वन के अंदर एट 224. व्हाई? बिकॉज वी आर ऑर्डरिंग, तो ईओ, तुमको समझा. और नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर भी ना, तो वो लोग ऐसा है, उन लोगों ने ईओ क्यू भी नहीं निकाला. ओके, वो लोगों ने डायरेक्टली बोला आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस वी सिलेक्ट 500 टन्स ओनली. अभी व्हाई द हेल यू सिलेक्ट तो 500, यू कुड हैव सिलेक्टेड टू एनी ऑप्शन. नो, तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूं. तो उन लोगों ना आज तक एक्चुअली तो ईओ क्यू यूज करने को भी नहीं आया तो अच्छे तरीके से. तो बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर जाओगे, आई हैव टोल्ड यू ऑल सम वर्क टू बी डन. ओके, तो वो करके आना, पक्की बात. देन आफ्टर दैट जो मेरी बुक का एडिशन वो निकलेगा, आई विल राइट डाउन योर गोल्डन नेम इन दैट कि दिस सॉल्यूशन वाज करेक्टेड बाय दिस पर्सन. चलो सुनो, ये वाला काम तुम्हारा हो गया. अच्छा, मेरे को तुम लोग को एक क्वेश्चन वो पूछना था, वो तो मैं भूल ही गया. किसी को मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछने का है? किसी को मेरे को कोई क्वेश्चन वो पूछने का था, कोई स्ट्रेंज सा डाउट जो आज तक मैंने आंसर नहीं किया? नहीं, आपको कुछ है पहले, उसके बाद मैं पूछता हूं ना. चलो नहीं है, अगर होता तो अभी तक तो पूछ ही लिया रहता, तो चलो ठीक है. 59,31,000 के अंदर जब तुम लोगों ने टीसीए निकाला तो तुम लोगों ने कुछ ऐसा किया ना, 5,000/2,000 × 1,200. मैं सब लोगों को पूछ रहा हूं, कुछ ऐसे ही किया ना, तो तुम्हारा आंसर आ गया 3,000. अभी नहीं पूछना डाउट. ओके, अभी मैं पूछ रहा हूं, यू विल हैव टू रिप्लाई. तो तुम्हारा आंसर 3,000 आ गया, तुम लोगों ने प्राउडली तो लिख भी लिया. लेकिन जरा सोचो ना, अगर मैं ए अपॉन क्यू इंडिपेंडेंटली निकालू, मेरे को बोलो ए अपॉन क्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्डर. तो 5,000/2,000 जरा कैलसी के ऊपर करो तो ढाई ऑर्डर आएगा, ढाई ऑर्डर आएगा इंटू 1200, तो 3,000 तुम लोगों ने लिख दिया. तुमको समझेगा, दुनिया में ढाई ऑर्डर करके कुछ हो ही नहीं सकता ना बेटा. ढाई ऑर्डर करके तो कुछ नहीं होता ना. एग्जाम्पल के तौर पे तूने डोमिनो से पहले 2 पिज्जा मंगवाए, फिर 2 पिज्जा और मंगवाए, उसके बाद 1 पिज्जा और मंगवाया, मेरे को बोलो ये ढाई ऑर्डर हुए कि 3 ऑर्डर हुए? 3 ना. तो अगर तुम लोग बोलता है तो 3, तो फिर तो तुमको ढाई को कंप्यूट करके 3 करना चाहिए था. 3 × 1200 तुमको 3600 फिर लिखना चाहिए था. यू शुड हैव रिटन 3600, बट यू ऑल हैव रिटन 3000 ओनली. नाउ टेल मी, व्हाई डिडंट यू राइट 3 ऑर्डर्स? यू शुड हैव रिटन 3. नाउ समबडी कैन बी सेइंग वी मेड एन एरर सर, रिकंप्यूट करें सब कुछ. इनफैक्ट ऐसा डाउट तुमको एक बार नहीं आया, मेरे को समझ में आता है. इसी क्वेश्चन के ना ये वाला डाउट 3 बार आना चाहिए था. लास्ट कैटेगरी के अंदर भी जरा देखो तुम लोगों ने टीसीए कैसे निकाला. बोलो बोलो बोलो, अभी तो अपने पर्सनल मुंह से बोलो. 5,000/3,000
बट 5000 अपॉन 3000 इज नॉट अ होल नंबर नो. और ऐसा डाउट तो तुमको फर्स्ट कैटेगरी के अंदर भी आना चाहिए था. 5000 अपॉन 224 इज नॉट अ होल नंबर. ऐसा डाउट तुमको 5 बार के अंदर से 3 बार आना चाहिए था, तुमको तो 1 बार भी नहीं आया. हाउ ब्रिलियंट यू आर. नाउ रिप्लाई नो. मैं बहुत सॉलिड क्वेश्चंस पूछता हूँ. बेटा हर एक ऑर्डर का एक क्वांटिटी ना, यू आर ऑर्डरिंग 2000 टन एट वन टाइम. क्यू का मतलब क्या होता है? इट इज यू आर ऑर्डरिंग 2000 टन एट वन टाइम. तो ये एवरेज थोड़ी है, दिस अ क्वांटिटी दैट यू आर ऑर्डरिंग बॉस. एग्जाम्पल, अगर मैं 13 क्वेश्चन डिटेल के अंदर ऑर्डर करने का ट्राई करूं, जो एक्चुअली मेरे को नहीं करने का था, लेकिन स्टिल आई ट्राई. चल ये वाला जो फिगर है, मैं थर्ड कैटेगरी का बात करता है, थर्ड कैटेगरी का. थर्ड मेरे को बोलो सेकेंड कैटेगरी का मेरे को बात क्यों नहीं करना चाहिए. सॉरी, मैं फोर्थ कैटेगरी का बात कर रहा हूं. मेरे को सेकेंड कैटेगरी का एग्जांपल तुमको क्यों नहीं देना चाहिए? वहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जैक्टली 10 आता है ना, और तुम्हारी थर्ड कैटेगरी के अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जैक्टली 5 आता है ना. तो जो पंगा है वो तो फोर्थ कैटेगरी के अंदर है, फिफ्थ कैटेगरी के अंदर है, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर. तो चलो ठीक है, मैं किसी से बात कर रहा था, सो आई टेल दैट पर्टिकुलर थिंग. मैं फोर्थ कैटेगरी का एग्जांपल दे रहा हूं. तू फर्स्ट टाइम 2000 यूनिट ऑर्डर किया. मैं आंसर नहीं दे रहा, मैं उस बच्चे को बस रिप्लाई कर रहा हूं. तू फर्स्ट टाइम 2000 यूनिट ऑर्डर किया, ठीक है? तो एक ऑर्डर तेरा चला गया, 1200 रुपए का खर्चा हो गया. सेकेंड टाइम भी तूने 2000 यूनिट ऑर्डर किए, तेरा सेकेंड ऑर्डर भी चला गया 1200. मेरे को बोलो अभी तक तूने कितने यूनिट्स ऑर्डर कर दिए, मेरे को नंबर बोलो ना. 4000 ना, तो 2000 दो बार. तू थर्ड टाइम जितना भी कर ले, लेकिन वो थर्ड ऑर्डर तो होगा ना तेरा. अगर आधी क्वांटिटी का भी होगा, लेकिन वो एक ऑर्डर तो है ना बॉस, तुमको समझा? तो वो 3 ऑर्डर तो हो ही गए ना यार. तो फिर अगर तुम लोग हर चीज के लिए यस बोलते हो, फिर तो फोर्थ कैटेगरी के अंदर आंसर 3600 आना चाहिए था. तुम लोगों ने तो 3000 लिखा है. कैसे? आईसी को तो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करनी है, करने को नहीं आता. सॉरी बोल, फिर से बोल. हाँ बेटा, लेकिन कंपेयर करने के लिए जो फिगर्स कंप्यूट होते हैं वो तो बराबर होने चाहिए कि नहीं यार? कंपेयर करने के लिए तू रॉन्ग नंबर्स तो वो थोड़ी निकालेगा. I cannot have a wrong number, right? बेटा जो आज तू डिसाइड करेगा फ्यूचर के अंदर वही ऑर्डर वो करेगा ना, तो और क्या करेगा? इसलिए तो कर रहे हैं ताकि वी कैन डिसाइड द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड. इफ यू सपोज तूने कंक्लूजन लिखा 1000 टन इज अ बेस्ट ऑप्शन, तो देन यू विल स्टार्ट टू ऑर्डर 1000 यूनिट्स एट वन टाइम. अगर 2000 वाला सबसे कम होता, यू विल स्टार्ट टू ऑर्डर टू द. जो बेटा जो चीज तू डिसाइड करेगा वो ही करेगा ना यार. सर हर बार A by Q सही थोड़ी होगा, अगर 2000 लिया है तो फिर मतलब. हाँ सही नहीं है, लेकिन वो सही होना चाहिए ना. मैं वही तो बोल रहा हूँ, सही नहीं है. वो तो तीन बार तो वो गलत आया, वो तो मैंने खुद ही बोला. लेकिन जो आया मेरे को उसको राउंड ऑफ तो करना चाहिए ना. इफ आई वांट अ करेक्ट आंसर, उसको राउंड ऑफ तो करना चाहिए ना मेरे को. अप्रूवल बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं करेक्ट तो करना चाहिए ना. यू कैन नॉट कंप्यूट अ रॉन्ग नंबर. ऑल दीज आर फोरकास्ट, ऑल दीज थिंग्स आर थिंग्स दैट यू आर थिंकिंग कि अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा किया तो कॉस्ट कितना होगा. वो कॉस्ट जो मेरे को लिखना चाहिए करेक्ट तो लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? मैं कुछ भी थोड़ी लिखूंगा. अगर 3600 मेरा कॉल. हाँ बराबर है, लेकिन दैट कॉन्ट्राडिक्स विद योर फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल हैड डन इन दिस एंटायर चैप्टर. सी ए इज कॉन्स्टेंट. जब मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा था मैंने वो बोला था, अभी एक ट्रक आएगा तो वो हॉट व्हील्स की कार के ऊपर तो वो थोड़ी आएगा. सॉरी, अगर एक यूनिट आएगा तो वो हॉट व्हील्स की कार के ऊपर तो वो थोड़ी आएगा. क्वेश्चन का गलती. ओके ओके, फिर तो चलो बात ही खत्म होगी. हाँ आप
बोल बेटा लास्ट. बट बेटा सुन ना मेरी बात, जो तू बोल रहा है दीज आर एस्टिमेट्स, योर एंटायर बिजनेस इज रन ऑन द एस्टिमेट्स. यू विल एस्टिमेट समथिंग एंड यू विल बेस्ड अपॉन दैट एस्टिमेट यू विल अराइव एट अ कॉस्ट. दैट कॉस्ट शुड बी अ करेक्ट कॉस्ट. नो, ये तो नहीं है कि आज तू कुछ भी नंबर वो लिखेगा एंड रियालिटी विल स्टार्ट टू बिकम वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू दिस. नहीं. Now I'll answer and I'll put rest to this. I'll answer. That'll be better. देखो, मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के अंदर A कितना था बेटा? 5000. ठीक. अगर सपोज तू फोर्थ कैटेगरी के अंदर है, यू आर ऑर्डरिंग 2000 टन्स एट वन टाइम. ठीक. तूने फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया कितने टन्स का? 2000. ये पहला ऑर्डर हो गया 1200 रुपए. ठीक है. तो तेरा सी ए 1200 रुपए का लग गया, एक ऑर्डर तेरा खत्म हो गया. सेकेंड ऑर्डर 2000 टन्स का, फिर से सेकेंड ऑर्डर 1200 रुपया मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट वो लग गया. सप्लायर को बोला भाई 2000 यूनिट भेज, उसने 2000 यूनिट भेज दिए, 1200 रुपए का मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्चा लग गया. थर्ड, बराबर से सुनना अभी. I'm ordering 2000 tons at one time. तो बोलते सर क्या बात करते हो, वेट. मैंने सप्लायर को बोला भाई 2000 टन भेजना, उसने 2000 टन भेजा, मेरा खर्चा लग गया 1200 रुपए का. मेरे को बोलो इस साल के अंदर कितने ऑर्डर्स आ गए? 3. लेकिन कितने यूनिट्स आ गए? 6. और तुमको कितने चाहिए थे? 5. तो इस 2000 के अंदर से 1000 यूनिट्स आई विल कंज्यूम इन दिस ईयर एंड 1000 यूनिट्स आई विल कंज्यूम इन द नेक्स्ट ईयर. इज दैट ओके? तो आई विल चार्ज ओनली प्रपोर्शनेट कॉस्ट इन दिस ईयर. नाउ आई एम डूइंग माई फाइनल एक्सप्लेनेशन एंड आई विल कंक्लूड विद ओनली वन लाइन. 2000 यूनिट्स ऑर्डर करता है, 1200 रुपए का खर्चा. मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं 1000 यूनिट ऑर्डर करूंगा तो खर्चा कितना, नहीं. मैं जब भी ऑर्डर करूंगा, आगे कोई बोलेगा मैं 2000 यूनिट ही ऑर्डर करूंगा, लेकिन उसके अंदर से इस साल के अंदर कितने यूनिट्स मैं कंज्यूम करूंगा? 1000, क्योंकि मेरे को 5000 यूनिट ही चाहिए. तो इस साल जो मैं खर्चा चार्ज करूंगा ना, दैट विल बी 600 एंड बाकी 600 आई विल चार्ज इन द नेक्स्ट ईयर. ये समझा तुम लोगों को? तो आई एम नॉट प्लेसिंग 2.5 ऑर्डर, आई एम चार्जिंग कॉस्ट फॉर 2.5 ऑर्डर्स एंड रिमेनिंग कॉस्ट फॉर हाफ ऑर्डर विल गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर. इज दिस ओके? ये चीजें ऑटोमेटिकली हो जाता है जब आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स को डेसिमल्स के अंदर लेते हो. तो जितना कॉस्ट इस साल, जितना मटेरियल इस साल कंज्यूम होने वाला होएगा ना, उसी के हिसाब से कॉस्ट इस साल चार्ज होएगा, बाकी जो कॉस्ट है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर चला जाएगा. इज दिस ओके? तो अगर ए बाय क्यू राउंड नंबर नहीं भी हुआ ना, तो भी उसको वैसा ही लेना, उसको राउंड ऑफ मत करना. इवन प्रोफेसर्स डोंट नो दिस पर्टिकुलर थिंग. वो लोग बोलता है कि आईसे गलत सॉल्व करता है, राउंड ऑफ ही करना चाहिए. राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए, इट हैज टू बी रिमेनिंग इन दैट पर्टिकुलर वे ओनली. ओके, सो शायद मैंने शॉर्ट्स के अंदर वो लिखा हो, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर. हाँ, पॉइंट नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है, इवन इफ ए बाय क्यू इज नॉट अ होल नंबर इट इज फाइन. मैंने लास्ट के अंदर तो आईसीए के लिए अच्छे वर्ड्स भी लिखे हैं. तो हमेशा की तरह, दिस प्रॉब्लम आईसीए डज नॉट नो हाउ टू सॉल्व. आईसीए हैज सिंपली टेकन 400, 500 टू 1000 एंड सो ऑन वगैरह टू बी सॉल्विंग. बाकी जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था इज ऑल ओवर हियर. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेंगे तो 12 मार्क का क्वेश्चन ही पूछेंगे. सो एंश्योर दैट यू आर गोइंग टू बी डूइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन द लास्ट डे ऑल्सो. ठीक है, दिस इज इट. ये वाला जो अपना क्वेश्चन है ये खत्म हो जाता है इससे.